हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुदाम, हमारे हनुमान।
बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। विश्वेश्वर महादेव की जय। वैद्यनाथ बाबा की जय। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धे पंडित जी श्री विजय शंकर मेहता जी उज्जैन से हमारे इस राम कथा ज्ञान यज्ञ में पधारकर हम सबको श्री राम कथा का रसपान कराएंगे। आप सभी हमारे परम श्रद्धे मेहता जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। फिर भी मैं संत श्री का परिचय आप सभी श्रद्धालु जन से भक्तजन से कराना चाहता हूं। हमारे परम पूज्य परम श्रद्धे पंडित विजय शंकर मेहता जी हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में भी इनकी गाथा का पूरे विश्व में परचम फैलाया है। अब तक देश भर सहित दुनिया के करीब 24 अन्य देशों में 130 विषयों पर 4500 से अधिक व्याख्यान दे चुके हैं। धर्म व अध्यात्म के प्रति एक नई सोच, पैनी दृष्टि और बेजोड़ वाक शैली के धनी परम पूज्य परम श्रद्धे पंडित मेहता जी देश दुनिया में जीवन प्रबंधन गुरु के रूप में जाने पहचाने और माने जाते हैं। एक रंग कर्मी, एक बैंक कर्मी और उसके बाद देश के अग्रणी समाचार पत्र दैनिक भास्कर में लेखक संपादक के रूप में प्रमुख भूमिका निभाने के बाद वर्ष 2018 से अध्यात्म यात्रा प्रारंभ की। इसी दौर में 5 प्रमुख उद्देश्यों के साथ आध्यात्मिक संस्था जीवन प्रबंधन समूह की स्थापना करते हुए व्याख्यान प्रवचन का सिलसिला शुरू किया। आप ही की प्रेरणा से उज्जैन में विश्व के पहले हनुमान चालीसा से ध्यान के केंद्र शांतम का निर्माण हुआ, जहां हनुमान चालीसा से ध्यान का विशेष कोर्स करवाया जा रहा है। देश में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार पत्र दैनिक भास्कर तथा उसकी सह शाखाओं में दिव्य भास्कर, दिव्य मराठी आदि में प्रतिदिन कालम जीने की राह में खूब पढ़े व पसंद किए जाते हैं। माय एफएम रेडियो पर भी हर दिन सुबह 6 से 7 बजे के बीच पंडित श्री के प्रवचन सुने जा सकते हैं। वर्ष भर में हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ महापाठ के अनूठे आयोजन हमारे पंडित परम श्रद्धे मेहता जी करते हैं, जिनका प्रसारण संस्कार चैनल, आस्था आदि टीवी चैनलों पर देश दुनिया में किया जाता है। अपने गृहस्थ दायित्वों का निर्वाह करते हुए
कथा प्रवचनों के माध्यम से दुनिया भर में हनुमान जी और श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से निरंतर शांति और प्राप्ति का संदेश दे रहे हैं। जीवन प्रबंधन परम श्रद्धे परम पूज्य गुरु पंडित मेहता जी, आप सबने हमारे परम पूज्य परम श्रद्धे विजय शंकर मेहता जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अब इसी स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज श्री राम कथा की इस पावन बेला में हम आप सबको ले चलते हैं राम कथा की ओर और परम श्रद्धे आदरणीय श्री मेहता जी के प्रथम पुष्प अभिनंदन के रूप में हम आमंत्रित करते हैं आयोजक परिवार से श्री डीसी प्रसाद जी साहू और श्रीमती प्रेमवती साहू। आप आइएगा और अति शीघ्र हमारे गुरुवर जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और अभिनंदन की इसी कड़ी को मैं आगे ले चलूं और हमारे बीच में और परम श्रद्धे पंडित श्री लक्ष्मीकांत तिवारी जी भी है, उपस्थित है। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि गुरुवर जी का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करेंगे। आप लोग तालियों के गड़गड़ाहट से हम सबको और गुरुवर जी का अभिनंदन पुष्पहार से उनका उत्साहवर्धन करेंगे और निरंतर यह कथा 7 दिनों तक चलने वाली कथा है और आप सब अमृत कथा के रूप में परम भगवान सियावर रामचंद्र जी, हनुमंत जी, शंकर जी और हमारे इस युग के जिन्होंने हमारे इस युग को संसार को संकल्पित रूप से और संदर्भित रूप से जिन्होंने लाया है, ऐसे परम गुरुवर परम देव सब इष्ट देव की आप सबने कथा प्रवचन इस मंच के माध्यम से आदरणीय गुरुवर के उद्भवन से आप सब आनंद लेंगे, प्रवचन का रसपान करेंगे। और इसी क्रम में अभिनंदन की इसी कड़ी में आप सबको ले चलता हूं श्री हेमलाल साहू जी दुर्ग। मैं इस मंच के माध्यम से साउंड वर्क के माध्यम से आप जिन जिन महान भावों का नाम उद्बोधन कर रहा हूं आप सबसे विनम्र आग्रह है कि अति शीघ्र आकर के गुरुवर जी का अभिनंदन करेंगे। श्री हेमलाल साहू जी दुर्ग, श्री धनपत राम साहू जी पिथौरा, श्री जीवर राम साहू सोनबेर जी सेमरा, श्री पी आर भोसले जी पोटियाडी, डॉक्टर लीला राम साहू जी बेलर, श्री याद राम साहू जी बेलर, श्री परमानंद साहू रायपुर, श्री लक्ष्मीकांत भेसले जी पोटियाडी, श्री ज्ञावेंद्र साहू जी सेमरा, श्री नीरज साहू जी सेमरा, श्री विजय साहू सेमरा, श्री कोमलेश साहू रायपुर, श्री छेदन साहू सांकरा, श्री नंद कुमार साहू जी अधिवक्ता रायपुर, श्री हितेश साहू नया रायपुर, श्री गजेंद्र साहू दुर्ग, श्री ओम प्रकाश साहू धमतरी, श्री खुमान साहू जी पिरोदा, श्री अजित नारायण साहू जी बेंद्री, श्री झालाराम साहू जी गुमा, श्री शेष नारायण साहू जी निमोरा, श्री सूरज साहू जी बेंद्री, श्री हृदय राम साहू जी चंदनपुर, श्री संजय साहू शंकर नगर रायपुर, श्री बुद्धेश्वर साहू जी बख्तरा। आप सबसे आग्रह है कि अति शीघ्र हमारे गुरुवर जी का पुष्पहार से अभिनंदन करके गए। और इसी क्रम में मैं ले चलता हूँ श्री खिलेराम साहू जी बोरिया कला, श्री सनत साहू जी बिरबीरा, महेंद्र साहू जी मोखेतरा, लक्ष्मीकांत गुप्ता जी सिवनी, जीनू भाई यादव जी रायपुर। मैं जिन जिन महान भावों का इस मंच के माध्यम से उद्बोधन मंच के माध्यम से आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप सब अधिशीघ्र आइएगा।
दिलीप साहू जी मोवा, आप भी शीघ्रता कीजिएगा और गुरुवर जी का पुष्पहार से अभिनंदन करेंगे। मैं जिन जिन महानुभावों का इस मंच के माध्यम से उद्बोधन मंच के माध्यम से आप सबको नाम घोषित किया हूं, आप सबसे आग्रह है कि आप शीघ्रता कीजिएगा और गुरुवर जी का पुष्पहार से अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आज के इस 7 दिवसीय राम कथा महायज्ञ में आप सब समस्त ग्रामवासी आगंतुक महानुभाव अतिथिगण आप सबका मैं आयोजक परिवार की ओर से सत सत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइएगा हम आप सब उन परमात्मा परम पिता मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जगत के पालनहार सृष्टि के रचिता भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, जिनकी आज पावन महाशिवरात्रि का भी पावन पर्व है, उसी पावन बेला में आज राम कथा का भी इस पावन धरा पर शुभारंभ होने जा रहा है। आइए हम सब मिलकर के इस राम कथा महायज्ञ का हम सब रसपान करेंगे और इस कथा के माध्यम से हम अपनी जीवन को इस महापुण्य आत्मा के हृदय में बसाकर हम सब अपनी आत्मा को जीवन रूपी यह यज्ञ को इस संसार से भवसागर से पाप करने के लिए हम अपने मन में आत्मा में बसाकर रसपान करेंगे। और इस कथा का प्रसारण श्री भगवत कृपा टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जा रहा है। जो भी महानुभाव मंच के माध्यम से गुरुवर का श्री राम कथा का रसपान अगर ना कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि अतिशीघ्र लाइव कार्यक्रम का प्रसारण श्री भगवत कृपा टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लाइव प्रसारण हो रहा है, आप इस राम कथा का रसपान ऑनलाइन चैनल यूट्यूब के माध्यम से भी आनंद ले सकते हैं। तो आइए और मैं इस मंच को और इस कथा के रसपान के लिए मैं आदरणीय पंडित विजय शंकर मेहता जी को इस मंच आप सब माइक और जन दीर्घा आप समर्पित करता हूं गुरुवर को कि हम सब को वह भगवान राम कथा का रसपान कराएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरुर्देव महेश
परमेश्वर गुरुर साक्षात परर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निरमल मति पायो। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगति सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयों जस जाका। शेष सहस्त्र शीश जग कारण जो अवतरेउ भूमि भवटारण सदा सुसानुकूल रह मो पर कृपा सिंधु सौमित्रो जागर। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगा बसही राम सर चाप धर। अतुलित बल धामम है मैलाव देहम धनुजवन कृषानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि नमामि नमामि। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज महाशिवरात्रि के पर्व पर सात दिवसीय रामकथा के इस पावन अनुष्ठान में जो इस दिव्य नगरी जहाँ भक्ति रस बहता है निमोरा ग्राम के
आदरणीय डीसी साहू जी और उनके परिवारजनों ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया। चलिए इसकी रस गंगा में आरंभ करें कथा को। इस दिव्य प्रांगण में परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभ दास जी को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए चलिए भगवान का नाम संकीर्तन करें और कथा में चलते हैं। आइएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जन्म भारत की भूमि पर हुआ है। भैया ईको कम कर दीजिएगा, ईको सिर्फ भजन में रखिएगा, उसके बाद कम कर दीजिए। हमारे पास ये गौरव है कि वेद शास्त्र उपनिषद पुराण ऐसे ग्रंथ हमारे जीवन में हमारे घरों में हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन पर साधु संत महात्मा माता पिता और पितरों की कृपा बनी रहती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी क्या है ऐसा कि हम लोग पार लग जाते हैं। देखिए जिस राम कथा को हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। राम कथा दो लोगों ने लिखी है,
राम जी के समय, भाई इसको ठीक करिए, इसको ठीक करिए, इसका इसमें इको मत करिएगा, वहीं से कंट्रोल करिए, बेस बढ़ाइए। राम जी के समय हुए वाल्मीकि जी, तो 5000 साल से भी पहले वाल्मीकि जी ने जो लिखी पुस्तक उसका नाम है रामायण। कोई 600-700 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, उन्होंने लिखी रामचरितमानस। हम जो कथा आपको सुनाएंगे उसका आधार रामचरितमानस है, और हमारे घरों में सबके यहाँ रामचरितमानस है, उसी को हम पढ़ते हैं। तो तुलसीदास जी ने इस राम कथा के 7 भाग किए, जैसे 7 वार होते हैं, उसको 7 कांड कहते हैं। पहला है बाल कांड, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। कल बात करेंगे अयोध्या कांड की, परसों हम बात करेंगे अरण्य की, चौथे दिन किष्किंधा की, पांचवें दिन सुंदर कांड की, छठवें दिन लंका कांड की, और सातवें दिन बात करेंगे उत्तर कांड की। ये नाम है कांड के। कांड मतलब भाग, कुछ ना कुछ घटना हुई है। तो आज हम बाल कांड की बात करेंगे, और थोड़ा सा ये भी समझ लेंगे कि कथाएं तो आप सबको मालूम है, मुझसे भी ज्यादा मालूम होगा, पढ़ी होगी रामकथा, सबको याद है। लेकिन आज पहले दिन बाल कांड पढ़ेंगे तो कथा के पीछे कोई सूत्र है, कोई ऐसी बात कही जा रही जो हमारे जीवन में हमको काम आए। सुनने से कुछ नहीं होगा, इसके पीछे एक संदेश है। तो बाल कांड का पहले दिन का संदेश है सहजता, दूसरे दिन अयोध्या कांड का संदेश होगा सत्य, तीसरे दिन का संदेश होगा संतुलन, चौथे दिन संघर्ष, पांचवें दिन सुंदर कांड में सफलता, छठवें दिन लंका कांड में संकल्प, और सातवें दिन समर्पण। अब इन 7 बात को दिमाग में रखिएगा और मेरे साथ 7 दिन की कथा में चलना। तो आज का सूत्र है सहजता, बाल कांड, बचपन भगवान का। आज तो भगवान युवा भी हो जाएंगे और भगवान का विवाह भी हो जाएगा। देखो बाल कांड की कथा में क्या क्या है मैं अभी पहले बता देता हूं। पहले तो तुलसीदास जी ने ये कथा क्यों लिखी इसका वर्णन आया है, फिर उन्होंने सबका मंगलाचरण किया, सबकी उपासना करी। उसके बाद भगवान का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी चर्चा शिवजी पार्वती जी की आई। बेटा इसको ठीक करिए ना, बार बार कभी ईको बढ़ता कम होता है, एक लेवल पे करिए इसको। हाँ, उसका ईको जितना होगा अपनी जगह है, लेवल एक रखिए उसको। फिर शिव जी से पार्वती जी ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने रामकथा सुनाई, भगवान के जन्म के 5 कारण बताए, फिर भगवान का जन्म हुआ, भगवान बड़े हुए, भगवान का विवाह हुआ, और भगवान लौट के आए, और आज की कथा पूरी हो जाएगी। इतनी कथा आज सुनेंगे अपन, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपने ये कथा सुन रखी होगी। लेकिन आज आपको अपने भीतर सहजता बनी रहे इसको समझना पड़ेगा। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं बाहर से तो बहुत सहज दिखते हैं, बड़े समझदार भी दिखते हैं, बातें करेंगे तो इतनी अच्छी करेंगे, लेकिन भीतर से सब कहीं ना कहीं परेशान हैं, कोई किसी से कहता नहीं है। तो आज हम आरंभ करते हैं और 7वें दिन तक अपने भीतर की सारी परेशानियों को हम मिटा देंगे। तो चलिए चलते हैं कथा में। तुलसीदास जी ने इस कथा को जब लिखा तो उन्होंने लिखा है कि रामचरितमानस एही नामा, इसका नाम रामचरितमानस है, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। विश्रामा शब्द का अर्थ होता है शांति। विश्राम के 2 अर्थ होते हैं, एक तो आराम जो हम लोग करते हैं, और दूसरा विश्राम का अर्थ होता है शांति मिलना।
तो तुलसीदास जी ने तो कह दिया इस राम कथा को सुनने से शांति मिलना चाहिए। आप में से जो लोग शांति की तलाश में हो उनको ये कथा जरूर शांत करेगी। अभी 2 साल में तो हमारे जीवन में इतना उपद्रव हुआ कि अच्छे अच्छे अशांत हो गए। अच्छा, सामने तो नहीं दिखता कि कोई अशांत है, लेकिन जरा सा अकेले में किसी से बात करो, उसकी छाती पे हाथ रखो तो फूट पड़ते हैं लोग। भाई, सब तरह की परेशानी चली आ रही लोगों की जिंदगी में, कोई एक है क्या? ये राम कथा आपके जीवन की 4 रास्ते की अशांति मिटा देगी। हम जितने लोग बैठे हैं सबके जीवन में अशांति, परेशानी, बेचैनी, थकान, निराशा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये क्यों आता है? 4 रास्ते से आता है और उसी का निराकरण आज हो जाएगा। हमारी परेशानी आने का पहला रास्ता कौन सा है? संसार से। तो संसार बदल लोगे, निमोरा छोड़ के रायपुर चले जाना, रायपुर छोड़ के भोपाल चले जाना, भोपाल छोड़ के दिल्ली चले जाना। तो जो लोग वहां रहते हैं वो परेशान नहीं है क्या? तो संसार बदलने से क्या होगा? तो पहली परेशानी संसार से आती है, दूसरी आती है संपत्ति से। कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो भी परेशानी। जिनके पास बहुत है उनसे पूछो, वो भी कोई चैन अमन से थोड़ी है। समस्या आने का तीसरा रास्ता संबंधों से। भाई, संबंध बिगड़ जाएं, पति पत्नी के, बाप बेटे के, भाई भाई के, सास बहू के, तो भी समस्या, उसी की अशांति कईयों को। तो कोई बोले ना बोले, संबंध भी बहुत परेशान करते हैं। और चौथी आती है स्वास्थ्य से। भाई, स्वास्थ्य भी ठीक कर लेंगे, बिगाड़ लेंगे। ये 4 रास्ते से आती, पर एक समस्या 5वें रास्ते से ऐसी आती है कि मैंने बड़े बड़ों को निपटते देखा उसमें। आप संसार की निपटा लोगे, संपत्ति की निपटा लोगे, संबंधों की निपटा लोगे, स्वास्थ्य की निपटा लोगे, पर 5वें रास्ते से जब संतान के मार्ग से समस्या आती है, मैंने बड़े बड़ों को टूटते देखा है। और आजकल तो औलाद जब परेशान करने पर उतर आए, आपकी तो औलादें अच्छी होंगी तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती होंगी, पर जिनकी कर रही होंगी वो ही जानते होंगे कि संतानों का लालन पालन, संतानों से अगर समस्या आ जाए तो मनुष्य टूट जाता है। अब देखिए, इस कथा में हमको 5 मार्ग से आने वाली समस्या का निदान मिल जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है इस कथा को जो सुनेगा सुनत श्रवण पाई विश्रामा, उसको शांति मिलेगी। तो कथा इस भाव से सुनिएगा, पाप पुण्य के चक्कर में मत सुनना इस कथा को। कई लोग कहते हैं कथा सुन लो तो पाप कट जाते हैं, कथा सुन लो पुण्य बढ़ जाते हैं। एक बात याद रखना, 2 बीज की भ्रूण हत्या नहीं होती। पाप बोओगे पाप उगेगा, पुण्य बोएंगे पुण्य उगेगा। न पाप से पुण्य कटता है न पुण्य से पाप, वो तो उगेगा ही उगेगा। इसलिए कथा को सुनना आज हमारे जीवन में शांति, भक्ति, प्रसन्नता कैसे उतरे, इसलिए लिखा है राम कथा को सुनने से विश्राम मिलता है। सुनने से विश्राम मिलता है, विश्राम करते हुए मत सुनना। नहीं तो मैंने देखा कई लोगों को ऐसा विश्राम चढ़ता है कथा में। अच्छा, ये कबमक्त नींद और कभी नहीं आती, कथा में ही आती। वो कईयों को तो इतनी प्यारी नींद आती कथा में, हम इधर शुरू वो उधर शुरू, कुछ तो डरते भी नहीं है। अच्छा, ये जो कथाएं होती हैं, ये जो 3 से 6, 2 से 5, इन कथाओं में एक दिक्कत और हो जाती हमारे साथ, सब भोजन खा खा के आते हैं और फिर यहीं सोते हैं सब पक्का। एक बात याद रखना, आज जो किया हो वो तो अपनी जानो, लेकिन कल से कथा सुनने आओ तो दिन का भोजन कम करना, रात को मेरी तरफ से 2 रोटी ज़्यादा खा लेना, नहीं तो कथा नहीं आने वाली, सब यहीं सोओगे, अच्छे अच्छे सो जाते हैं। तो चलिए कथा में चलें। मैं आपके साथ 7 दिन हूँ, आपको 7 दिन में कथा सुनते सुनते 5 काम जरूर करना है।
सुनने के लिए कथा मत सुनना, पांच काम करना। पहला भरोसे से कथा सुनना, भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको भगवान मिला है, और यदि किसी एक को भी मिला है तो वह आप क्यों नहीं हो सकते, आपको भी मिलेगा। दूसरा, एक ललक बनाए रखना। ये भर्ती में कथा मत सुनना, एक तड़प होना चाहिए कि नहीं भगवान लेके जाएंगे, सुनने के लिए मत सुनिए। तीसरा, शिकायत चित्त को विराम दे देना। इस चित्त को शिकायत करने की बहुत आदत होती है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। भक्त कभी किसी से शिकायत नहीं करता, भक्त का चित्त सहमत चित्त होता है। आप जितने सहमत हैं उतने शांत, जितने असहमत उतने अशांत। चौथी बात, थोड़ा मौन साधना। इन 7 दिनों में थोड़ा कम बोलना, बोलना हमारी जरूरत होना चाहिए, बोलना हमारी आदत हो गया, बहुत बोलते हैं हम लोग। मैं जब यहाँ आया, हम मंगलाचरण कर रहे तब भी लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे जिंदगी भर यही करते रहोगे भाई, थोड़ा मौन साधिए। और पांचवी बात, कोई ना कोई संकल्प जरूर लेना। सुनने के लिए कथा मत सुनना, जीवन के रूपांतरण के लिए कथा सुनना। ये राम कथा इस बार आपके जीवन में जो भी चल रहा हो, कोई बुरी बात चल रही हो छोड़ देना, कोई अच्छी बात रुकी हुई हो इस कथा में बुला लेना, लेकिन बिना संकल्प सुनने के लिए मत सुनना। इस बार जीवन बदलना चाहिए। साहू परिवार ने इतना अच्छा आयोजन किया, कई लोग सुनने आए। अच्छा, कथा सुनने में 2 तरह के श्रोता होते हैं, एक आए गए एक लाए गए। कई लाए गए भी फंसे रहते हैं, बैठे हैं आप घर में कथा हो रही तो बैठे। अच्छा, बहुत सारे तो रिश्तेदारी निभाने ही आ जाते हैं कि साहू जी अपने आते हैं तो अपन इनके यहाँ चलो। डीसी जी, हमारे भैया जो तुलेश जी, आओ आप संबंध निभाने। पर इस पंडाल में एक ही संबंध निभाना, और वो है भगवान से, श्री राम से। ये संबंध निभाने के लिए तो जीवन पड़ा है। संकल्प लेना, इस बार की राम कथा मेरा जीवन बदल देगी, मेरे जीवन में जो भी चल रहा होगा अगर वो अनुचित है तो इस बार दूर हो जाना चाहिए। सुनने के लिए कथा मत सुनिए, मालूम तो हो क्यों सुन रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हम कथा क्यों सुन रहे हैं। अगर जीवन नहीं बदला तो टिक लगाने के लिए मत सुनिए कि हमने इतनी कथाएं सुन ली उनके यहां हुई तो गए। जीवन बदलना चाहिए। एक बार मैं कथा करता था भागवत की, 7 दिन की कथा थी, तो मैं देखता एक 80 साल की बूढ़ी माई कोने में बैठ के बड़े ध्यान से हमारी कथा सुनती, और हमको ऐसे देखती जिसको कहते ना एक टक। एक टक देखना मतलब आपकी निगाह, आपकी आंखें हटे ही नहीं उसी को देख। तो कोई 3 घंटे आपको एक टक देखे तो आपको भी बेचैनी होती, भाई ऐसा क्या देख रही माई। 80 साल की माई एक टक हमको कथा देखे 3 घंटे तक। चौथे दिन हम भी परेशान हो गए, तो हम उस बूढ़ी माई के पास गए। हमने कहा, माई आप कथा बड़ी गजब की सुनते हो, हमें देखती रहती हो, तो आपको कथा कैसी लगती है। अब उस बूढ़ी माई ने जो उत्तर दिया वो सुनो आप। बूढ़ी माई ने कहा, पंडित जी मेरे को तो सुनाई नहीं देता। लो, अरे मैंने कहा माई जब तुमको सुनाई नहीं देता तो 3 घंटे मुझको क्या देख रही हो। अब जो उत्तर दिया वो और सुनो। उन्होंने कहा, पंडित जी ये तो नहीं मालूम, पर एक बात जानती हूं कि पिछले 6 महीने से मेरा मेरी बहू से पंगा चल रहा है, लड़ाई, और मुझे मेरी बहू की सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और उसके मुकाबले आप थोड़े ठीक दिखते हो तो आपको ही देखती रहती हूं। अब लो, अब ये कोई कथा सुनने का ढंग है। इस पंडाल से भगवान आपके साथ जाना चाहिए, इस पंडाल से आपके भीतर भक्ति जागना चाहिए। इस कथा के बाद कुछ ऐसा होना चाहिए जो अब तक ना हुआ हो जीवन में, तो मेरा बोलना और आपका सुनना सार्थक होगा। औपचारिकताओं में कथा न सुनिएगा,
तो चलिए तुलसीदास जी ने वंदना लिखी है सबकी, और बड़ी प्यारी वंदना की है। अच्छा, तुलसीदास जी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबकी वंदना की, बड़ी प्यारी वंदना। सबसे पहले गुरु को नमन किया है, गणेश जी को याद करने के बाद गुरु को याद किया। चलिए, गुरु जी को हम भी याद कर लें। बंदूं गुरु पद पदम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा। बंदूं गुरु पद पदम परागा सरस अनुरागा। देवियों और सज्जनों, सबकी वंदना कर ली, किसी को नहीं छोड़ा। गुरु, ब्राह्मण, साधु, दुष्ट, दुष्टों की भी वंदना की, और उसके बाद अब वो हमसे कहते हैं श्रोता और वक्ता के चार घाट हैं। एक कथा सुना रहे हैं याज्ञवल जी भरद्वाज जी को, काकभूषण जी गरुड़ जी को, शिवजी पार्वती जी को, और तुलसीदास जी हम लोगों को जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं। तो चलिए, मंगलाचरण हो गया, आप सीधे चलते हैं एक बार भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। साधु संत इकट्ठे हुए और भगवान की चर्चा करी। सारे साधु विदा हो गए तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क नाम के ऋषि को पकड़ लिया और कहा, आप मुझे रामकथा सुनाइए। याज्ञवल्क जी ने कहा, भरद्वाज जी, आप वैसे तो सारी रामकथा जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं आपके माध्यम से दूसरे लोगों को भी रामकथा मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं आपको राम कथा क्रम से सुनाता हूं, तो चलिए अपन भी सुनते हैं। तो वो कहते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर के मन में राम कथा सुनने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनी पत्नी सती देवी से कहा, देवी मेरे साथ राम कथा सुनने चलोगी? अच्छा, देखिए सती कौन है, भगवान शंकर के दो विवाह हुए, पहला सती देवी से, दूसरा पार्वती देवी से। सती देवी किनकी बेटी थी? दक्ष राज की, और दक्ष का मतलब होता है अंग्रेजी में टैलेंटेड, हिंदी में बहुत ज्ञानी, बड़ा योग्य। तो उनकी पहली पत्नी सती देवी बड़ी बुद्धिमान थी, हर बात पे तर्क करती, और उनको कथा सुनना पसंद नहीं था। अच्छा, एक बात याद रखो, बुद्धिमानों को कथा कम पसंद आती, पढ़े लिखे लोगों को कम समझ में आती कथा। कथा यहाँ से सुनी भी नहीं जाती, कथा दिमाग का विषय नहीं है, कथा दिल का विषय है। तो सती जी ने कहा, चलो पति कह रहे हैं तो चली चलो। बड़े अनमने मन से अपने पति के साथ, शिव जी के साथ कथा सुनने के लिए पहुंच गई अगस्त ऋषि के आश्रम में। अब देखो, अगस्त ऋषि कथा सुना रहे थे, उन्होंने देखा कि भगवान शंकर आ गए, तो खड़े होकर उनको प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो सती देवी का माथा और ठनक गया। उनने सोचा, ये तो कमाल हो गया, परंपरा तो ये है कि जो श्रोता होते हैं वो वक्ता को प्रणाम करते हैं, यहाँ तो उल्टा काम हो गया, वक्ता श्रोता को प्रणाम कर रहा है, ये ऋषि महाराज मेरे पति को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये क्या कथा सुनाएंगे। अब देखो, पहली गलती करी, वक्ता पे संदेह, वक्ता पे डाउट मत करना। अब हम अभी आपके यहाँ वक्ता बन के आए, अब हम जो बोल रहे हैं चुपचाप सुनो, परीक्षा लेना थी तो पहले ही ले लेते, ले ही होगी इन्होंने, कितनी टेस्टिंग होती हमारी भी कि पंडित जी को बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे, कितना बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, जमाने भर, आजकल तो तुरंत मोबाइल पे खोल के देख लेते हैं हमको, हाँ बोले ठीक बोलते हैं, बुला लो बुला लो, तब आते हैं हम। अब आ गए तो सुनो, वक्ता पे संदेह न करें।
कथा आरंभ हुई। शिव जी ने तो बड़ी शांति से कथा सुनी, बहुत शांति से, लेकिन सती जी का मन नहीं लगता, कभी इधर देखती कभी उधर देखती। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनका कथा में मन नहीं लगता, जब तक दो चार लोगों को इधर उधर ना देख लें उनको कथा ही नहीं पचती। आप देखना, कुछ लोग पूरे समय कथा में कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे। भगवान शंकर ने कहा जरा शांति से सुन लो देवी, कथा सामने हो रही है। नहीं सुनती, कथा समाप्त हुई, पति पत्नी उठ के बाहर निकले। ऐसा कहते हैं उसी समय राम जी की लीला चल रही, त्रेता युग का प्रसंग, रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। तो राम जी हा सीते करके बुला रहे। शिव जी ने देखा जिन राम जी की कथा सुन के हम आ रहे हैं उन्हीं के दर्शन हो गए, तो अपनी पत्नी से कहते हैं अपने सौभाग्य खुल गए, देख जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं उनके दर्शन हो गए। मैं प्रणाम कर रहा हूं, दूर से बीच में जाना ठीक नहीं, उनकी लीला चल रही है तो मैं दूर से प्रणाम कर रहा हूं, और मैं कर रहा हूं तो आप भी कर लीजिए। तो सती देवी कहती है ये कहां से भगवान, ये तो रोता हुआ राजकुमार अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, मैं प्रणाम नहीं करती। अब देखो पति कह रहा है कि कर लो देवी, वो नहीं करती। चलो, भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी इच्छा, हम तो प्रणाम करते। यहां एक बात सोचने लायक है कि जिनकी कथा सुन के बाहर निकले उनके दर्शन हो गए, शिव जी को हुए पार्वती जी को नहीं हो रहे, और ऐसा होना चाहिए कि हम जिसकी कथा सुन के निकले उसके दर्शन हो। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अभी कथा सुन के जब 6 बजे बाहर निकलेंगे तो राम जी कोने खड़े मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन कथा का नशा, कथा का आनंद 2-4 घंटे तक तो रहना चाहिए। मैं तो कई बार देखता हूं हम इतनी कथा सुनाते, हमारी कथा लोग हमारे ही सामने झाड़ के चले जाते, रखो पंडित जी हो गया 3 घंटे पूरे। ये ना करिएगा, राम की अनुभूति होना चाहिए। शिव जी ने कहा देवी मैंने तो प्रणाम किया, आप भी कर ले, मना करती हैं। चलो मना कर दिया, ठीक अब जो बोलती हैं वो सुनो। कहती हैं मैं तो परीक्षा लूंगी कि ये परमात्मा है कि नहीं है। भगवान परीक्षा का विषय नहीं होता, भगवान संदेह का विषय नहीं होता, भगवान विश्वास का विषय होता है। भगवान पे संदेह न करिए कभी, लेकिन सती जी कर रही हैं और कहती परीक्षा लूंगी। तो शंकर जी ने समझाया कि देवी एक बात ध्यान रखना, परीक्षा लेने में मर्यादा मत खो देना, परीक्षा लेने में मर्यादा मत खो देना। और चली। हमारे तुलसीदास जी ने, भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को समझाया, उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। अब तो वही होगा जो भगवान को मंजूर है, तर्क की शाखा बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अच्छा चलिए जरा इस चौपाई का अर्थ समझ लें। शिवजी जैसे पति ने अपनी पत्नी को समझाया, उनको बात समझ में नहीं आई, तो शिवजी कह रहे हैं तर्क की शाखा बढ़ाने से क्या फायदा, मैंने इतना समझाया भी इससे क्या बहस करूं। हजारों साल पहले पति पत्नी को समझा रहा है पर पत्नी को समझ नहीं आ रहा, तो यदि शिवजी अपनी पत्नी को समझाएं और उसको समझ न आए तो आज यदि किसी की पत्नी अपनी पति की बात न सुने तो टेंशन मत लेना, शिवजी का भी यही चल रहा था। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं मेरी तो सुनती नहीं है, अरे उनकी नहीं सुन रही तो तुम्हारी भी नहीं सुन रही, परेशान क्यों हो रहे हो। लेकिन जो बात उनने बोली सुनो, को करी तर्क बड़ा वही शाखा, पति पत्नी के बीच तर्क की शाखा नहीं बढ़ना चाहिए। इसका मतलब होता है बहस। आज कई पति पत्नी के बीच किसी विषय पर इतनी बहस चलती है, कई तो रात भर अंताक्षरी खेलते हैं, लड़ाई चालू हो जाती है। हाँ ऐसी लड़ाई लड़ते हैं तुम ऐसे, अच्छा लड़ाई भी बड़ी गजब की शुरू होती है पति पत्नी के बीच। जब लड़ाई रात को चालू होती है ना 9 बजे तक तो इसी में चलता है, तुम ऐसे तुम भी ऐसे लड़ाई, फिर 9 से 12 के बीच में बात बदल जाती है, तुम शुरू से ही ऐसे। हाँ बोले तुम भी शुरू से ऐसे। अब लो 12 बज गई, 12 से 3 के बीच में फिर लड़ाई और पलट जाती है,
तुम्हारा खानदान ऐसा, लो अब खानदान आ गया बीच। सुबह 6 बजे तक अंताक्षरी चली और उसके बाद मजेदार बात इस रिश्ते की यह है कि 6 बजे फिर बोलते चलो चाय वाय पिलाओ, अब क्या लड़ना, लो रात भर लड़े। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो सब ठीक ठाक ही दिख रहे हो, आप तो कभी लड़े ही नहीं होगे। यहां तो जितने पति पत्नी बैठे हैं इनको तो मालूम भी नहीं होगा कि लड़ते भी हैं, ये तो दूसरे जगह की सुना रहा हूं। आप तो कितने बढ़िया दिख रहे हो सब। शिव और सती में लड़ाई हो गई। शिव जी ने कहा देखना देवी मर्यादा मत खोना, बैठ गए आंख बंद करके। ये गई, अच्छा इन्होंने सोचा सीता सीता चिल्ला रहे हैं तो मैं सीता का वेश बना लेती हूं और सीता का वेश बनाऊंगी तो मुझे देख लेंगे और परीक्षा हो जाएगी। और जैसे सीता बन के गई, राम जी हा सीते करके रो रहे। राम जी ने इनको देखा तो दूर से ही हाथ उठा के कहा देवी प्रणाम। और पूछते हैं महादेव जी कहाँ है माँ, आप जंगल में अकेली कहाँ घूम रही, पकड़ा गई, दौड़ के अपने पति के पास आके खड़ी हो गई, डर गई। शिव जी ने आंख खोल के देखा तो आ गई, बोले आ गई आप, हाँ परीक्षा ले आई, हाँ बोले ले आई। क्या कहती सुनिए आप, शिव जी ने पूछा परीक्षा ले आई तो कहती क्या है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अपने पति से कहती मैंने परीक्षा नहीं ली, जबकि ली थी, झूठ बोला। अच्छा आदमी एक बार झूठ बोले ना तो फिर बात की मर्यादा खत्म हो जाती है, उसके बाद दूसरे तीसरे में तो दिक्कत ही नहीं है। और कहती क्या है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया ऐसे ही मैं प्रणाम करके आई। जैसे ही उन्होंने बोला कि मैंने आप ही की तरफ प्रणाम किया तो शंकर जी का माथा ठनक गया। वो जानते थे कि ये कोई प्रणाम करने वाली तो नहीं है, तो वो तो अपनी घरवाली को बहुत अच्छे से जानते थे। अच्छा देखो, घरवाली घरवाले को और घरवाला घरवाली को जितने अच्छे से जानता है ना, दुनिया में और कोई तीसरा नहीं जानता। जबकि इन दोनों की लड़ाई जिंदगी भर इसी बात की चलती, तुम तो हमें जान ही नहीं पाए, तुम तो हमें जान ही नहीं पाए, अरे यही दोनों जानते हैं एक दूसरे को। अब देखो शंकर जी ने सोचा कि ये कोई प्रणाम करने वाली नहीं, आंख बंद करके देखा क्या किया इन्होंने जाके, तो देखा माँ सीता का वेश धरा। तो कहते हैं आपने इस देह से मेरी माँ सीता का देह धरा है तो मैं आपका मानसिक त्याग करता हूँ। कथा आप जानते हैं, सती जी ने देहाग्नि प्रज्वलित करके अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया और वही पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये परिवार का ग्रंथ है, जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ उसके पीछे का आधार है भारत के परिवार बचना चाहिए। हमारा भारत सारी दुनिया में इस बात पे बहुत आगे है कि जैसे परिवार हमारे पास है दुनिया में किसी देश के पास नहीं, एक छत के नीचे तीन तीन पीढ़ी, पर अब हमारे घरों पे भी टूटन की दस्तक हो रही है। तो भारत के परिवारों के केंद्र में कौन है, रामायण है, गीता है, परमात्मा है, तो परिवार टूटना नहीं चाहिए। छत बढ़ जाए, कमरे बढ़ जाएं, पर दिल नहीं बढ़ना चाहिए। ये कथा हमको सिखा रही है परिवार के केंद्र में तीन रिश्ते होते हैं, माता पिता, पति पत्नी और संतान। तीनों के प्रसंग आने वाले, ध्यान से सुनना। अगर आप सचमुच कथा सुन रहे हैं तो प्रयास करिए, मैंने कहा ना कोई संकल्प लेना, संकल्प लीजिए कि हम अपने परिवारों को टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे, हमारी पूंजी है हमारे परिवार। देखिए शिव जी का परिवार देखते ही देखते बिखर गया, सती जी ने देह त्याग दी, शंकर अकेले हो गए। यहां ये बात हमको समझना चाहिए कि पति पत्नी का रिश्ता दूध और पानी की तरह होता है। आप दूध में पानी मिलाओ, पानी में दूध मिलाओ, पता नहीं लगता क्या मिला, लेकिन जरा सी खटाई का छींटा डाल दो दूध पानी अलग हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच जिस दिन झूठ, छल, अहंकार, कर्कश वाणी आती है, ये रिश्ता बिखर जाता है। वही सती पार्वती बन के आई,
पार्वती जी का शिव जी से विवाह होता है। पार्वती बड़ी अद्भुत स्त्री थी और जब दोनों विवाह करके कैलाश पे आते हैं तो एक दिन अभी विवाह हुआ, अभी तो मेहंदी नहीं छूटी, अभी तो शिव जी का श्रृंगार नहीं गिरा, अभी अभी नव विवाहित जोड़ा एकांत में बैठा है कैलाश पर और पार्वती जी अपने पति शंकर जी से कहती हैं, पिछले जन्म में मैंने सती के रूप में भगवान राम पर संदेह किया था, इस जन्म में मैं आपसे पूछना चाहती हूं राम कौन है, आप मुझे राम कथा सुनाइए। देवियों और सज्जनों जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी एकांत में बैठे हो तो काम कथा फूटती है ये तो दुनिया जानती है, पर पति पत्नी एकांत में बैठे हो तो काम कथा नहीं राम कथा फूटती है, ये शिव और पार्वती जी का जिनका आज उत्सव मना रहे हैं, क्या दाम्पत्य रहा होगा सोचिए। अच्छा भैया एक बात और कह दूं, जो कुछ करना हो कथा में ठीक से ही करना, अब ताली बजाना है तो ठीक से बजाइए, ऐसी बजाइए जैसे बिल्कुल गए काम से। अरे ताली तो ठीक से बजाइए, जरा एक बार जोरदार ताली आज इस महाशिवरात्रि पे। अच्छा एक बात बताइए, मैंने ताली क्यों बजवाई आपसे, कभी सोचा आपने? न तो शंकर भगवान को जरूरत है ताली की, ना मुझे जरूरत है, मेरा भी बिना ताली के काम चलता है, फिर मैंने ताली क्यों बजवाई? आप ही के लिए, क्योंकि कथा में बैठने के थोड़ी देर बाद कई लोग भूल ही जाते हैं कि काहे के लिए आए और क्यों आए, बैठे हैं साहू जी को मुंह दिखाने आए कई तो, और बाकी फंसे हुए हैं। अच्छा कुछ तो कोई काम नहीं था तो यहीं बैठे हैं, बोले वहां बैठे थे तो यहां बैठे, क्यों बैठे? ताली बजाने से आपको ये भान हो जाता है कि कहां बैठे हैं और क्यों बैठे हैं। इसलिए कथा सुनने आए तो ध्यान से सुनिएगा। पार्वती जी कहती हैं, मैं आपके मुंह से राम कथा सुनना चाहती हूं। देवियों और सज्जनों, जैसी पार्वती जी ने कहा भगवान शंकर ध्यान में डूब गए, पति पत्नी एकांत में बैठे हैं, राम कथा फूटी। जिन पति पत्नी का एकांत दिव्य होता है उसका सीधा असर उनके बच्चों पे पड़ता है। मैं एक बारीक बात कह रहा हूं, आप हम कथा के माध्यम से परिवार बचाने के लिए बैठे हैं, जिन पति पत्नी का एकांत दिव्य होगा, प्रेम पूर्ण होगा, सहज होगा, उसकी कीमत बच्चे चुकाएंगे। लड़ते झगड़ते तनावग्रस्त पति पत्नी के बच्चे भी चिड़चिड़े बेचैन थके हुए होंगे। देखो आप शिव और पार्वती का दाम्पत्य देखो आप, क्या बच्चे हुए, कार्तिकेय देवताओं के सेनापति, गणेश जी महाराज जिनको याद किए बिना कोई काम नहीं हो सकता, और अंशावतार में हनुमान जी महाराज जिनके बिना तो एक कदम नहीं चलते। आप सोचिए ऐसी संतानें कैसी, मां बाप एकांत बचाएं। आपसे मेरा निवेदन है आज एक संकल्प लें कि इस बार की राम कथा में आज एक संकल्प लिया है कि आज के बाद यदि अपने पति के साथ एकांत में हो, यदि आप पत्नी के साथ एकांत में हो, तो कभी भी मुंह मत फुलाना, टेंशन मत करना, झगड़ा मत करना। वैसे आप तो नहीं करते होंगे, आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, पर कुछ जोड़े अकेले में बहुत लड़ते, सबके सामने तो इतने अच्छे से रहते हैं कि उनको देख के लोग कहते हैं वाह वाह क्या आदर्श जोड़ा है। कई जोड़ों को तो सबके सामने देख के लगता है जैसे भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाया, लेकिन जैसे अकेले में मिलते हैं क्या तलवारें निकलती हैं। शिव और पार्वती एकांत में भगवान का नाम ले रहे हैं, शांति प्रिय होना चाहिए एकांत, परिणाम बच्चे। और जैसे ही पार्वती जी ने कहा राम कथा सुनना है, आंख बंद करते हैं और दुनिया की बड़ी मशहूर चौपाई भगवान शंकर के मुंह से तुलसीदास जी कहलाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आपने कई बार इस चौपाई को गाया, कभी विचार किया लिखा क्या इसमें? मंगल भवन, मंगल का भवन, मंगल को करने वाले, बाल राम का रूप,
याद करते हुए शिव जी कह रहे हैं, हे बालराम रूप, आप मंगल को देने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। द्रवहु सुदशरथ, द्रवहु का अर्थ होता है आप दया करिए। अजीर बिहारी दशरथ के आंगन में, अजीर मतलब आंगन और बिहारी मतलब विहार करने वाले, हे बाल रूप राम, आप मंगल देते हैं अमंगल हरते हैं, आप दशरथ के आंगन में विहार करने वाले हैं, आप मेरे ऊपर दया करिए। ये इस चौपाई का अर्थ है। हमारे आंगन में हमारे बच्चे विहार करते हैं। ये दुनिया आपने किसके लिए बनाई बताइए? संतानों के लिए। माता पिता भारत में संतान के लिए क्या नहीं करते। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, ऐसे राम। देखिए राम कथा के आरंभ में शिव जी को जिन राम को याद करना था वो बाल रूप में आंगन में दौड़ने वाले राम। हम सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं? जब अपने बच्चों को अपने आंगन में घूमता देखते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं माता पिता, वो प्रसन्न हो गए शिव जी। और कथा आरंभ करते हैं, मंगल शब्द रामचरितमानस में 177 बार आया है। 170 इतना मंगल का ग्रंथ है। मंगल मतलब सब कुछ अच्छा होना, मंगल मतलब आनंद, मंगल मतलब प्रसन्नता आना जीवन में, मंगल मतलब दुख का भाग जाना। ये कथा आपके जीवन में ये ला रही है। और शिव जी कहते हैं, सुनो देवी, मैं आपको राम जन्म के कारण बताता हूं। पहला कारण जय विजय, दूसरा कारण जलंधर राक्षस, तीसरा नारद जी ने एक बार श्राप दिया। जैसे ये सुना कि नारद श्राप दीन एक बारा, पार्वती जी के गुरु थे नारद जी, उन्होंने कहा नारद जी ने भगवान को क्यों श्राप दिया? का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। भगवान विष्णु ने ऐसा क्या अपराध किया जो नारद जी को उनको श्राप देना पड़ा? अब देखो शिव जी हंसे, बोले कमाल करती, आपके गुरु हैं तो आप मान के चल रही कि अपराध विष्णु जी ने किया होगा, आपके गुरु ने नहीं, जबकि सारी झंझट आपके गुरु ने करी। तो सुन लो आज देवी, ये कथा भी सुनी लो, कथा सुनिए, हमारे बड़े काम की है। नारद जी एक बार घूमते घूमते कहीं जा रहे थे तो हिमालय की तलहटी में उनका ध्यान लग गया। ध्यान लगा तो इंद्रासन डोल गया। इंद्र को लगा मेरी संपत्ति लेना चाहते हैं, तो इंद्र ने कामदेव से कहा कि इनकी तपस्या भंग करो। तो कामदेव अप्सराओं को लेकर आया, अप्सराएं आसपास मंडराने लगी, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं होती। तो कामदेव ने कहा चलो मैं कुछ करता हूं। और धीरे से कामदेव ने तीन काम किए, जरा ध्यान देना, आप तीन काम करो तो किसी की भी तपस्या भंग हो जाती। कौन से तीन काम? तो नारद ने पहला काम किया प्रणाम, दूसरा पुष्प माला पहनाई, और तीसरा प्रशंसा आरंभ कर दी कि नारद जी आपको मान गए, शिव जी ने तो मुझे भस्म कर दिया, पर आपने तो न लोभ रखा, आपको लोभ नहीं है कि आपको इंद्र का आसन चाहिए, आपको क्रोध नहीं है तो आप मेरे ऊपर गुस्सा भी नहीं हुए, मुस्कुरा रहे हैं, काम तो है ही नहीं, आपने काम को जीत लिया। जैसी प्रशंसा शुरू हुई, देखो भैया प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती है, ये मुंह वाली पियो, दो चार कदम चलो ठीक हो जाओगे, पर तारीफ आदमी को डगमगा देती है। अब तीन काम किए और नारद जी गए काम से। पहला प्रणाम, किसी को निपटाना हो आपको कभी तो ये तीन काम करना। सबसे पहले प्रणाम करो, प्रणाम करते ही आदमी का माथा ऐसा लगता है हमें प्रणाम। देखो हमको तो कितने लोग प्रणाम करते हैं, सुबह से ही शुरू हो जाते, हमको तो दोपहर 12 बजे तक अगर 10-15 लोग प्रणाम न करें तो हमारा पेट दुखने लगता है 12:30 बजे। हमको तो प्रणाम कराने की आदत पड़ गई। दूसरा पुष्प, माला पहनाओ, आदमी बावला, कितनी पहनाई होगी देखो तो सही, कितनी मालाएं, हमको भी लगता है माला डल रही। अच्छा कई बार तो हम सोचते हैं इतनी मालाएं क्यों पहनाते हैं। एक बार हमने एक यजमान से पूछा, उसने हमसे पहले ही कह दिया गुरुजी आप माला पहनो ना तो उधर मत रखना, इधर रखना। हमने कहा हम किधर भी रखें तुमको क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं फर्क पड़ता है। हमने कहा क्या? बोले माला 10 है, पहनाने वाले 50 है, तो वही सप्लाई करना, आप इधर रखना। हमने उधर रखना शुरू कर दिया।
फिर हमने उस यजमान से पूछा कि 50 पहनवाते ही क्यों? अरे भाई हमको 10 में खुशी है, हमको तो 1 में भी खुशी, वो भी ना पहनाओ। यजमान ने बोला आपको कौन पहना रहा? अच्छा लगता है कि आपको पहना रहे हैं, आपका मान कर रहे हैं, दरअसल में पहना आपको रहे, मान तो उसका हो रहा है जो वो पहना रहा है, क्योंकि जो छूटा वो ही रूठा। यह भी एक समस्या है। आप किसी का नाम छोड़ दो, अच्छा फिर इसका इस आपकी कथा में तो सब रिश्तेदार जाति बिरादरी के लोग, और रिश्तेदार बड़े प्यारे होते हैं। आए हाय हाय, रिश्तेदार को कब मिर्ची लग जाए पता ही नहीं। अच्छा मिर्ची ना लगे तो रिश्तेदार का ही का, थोड़ा रूठ ना हो, थोड़ा हमको नहीं पूछा इनको पूछ लिया। तो माला ऐसी चीज है, और फिर प्रशंसा, तीन काम करो कोई भी निपट जाता है। नारद जी निपट गए, नारद जी खड़े हुए, नारद जी ने कहा मैंने काम को जीत लिया, सीधे कैलाश पहुंच गए शंकर जी के पास, और शंकर जी से कहने लगे आपको पता लगा मैंने काम को जीत लिया? आपको जानकारी नहीं मिली मैंने काम को जीत लिया? आपको किसी ने बताया नहीं कि मैं काम विजेता हूं? शंकर जी समझ गए बाबा गया काम से। शंकर जी ने कहा इधर आओ नारद जी, एक सलाह दे रहा हूं, आप संत हैं, आपके मुंह से लोग राम कथा सुनना चाहते हैं, और आप पिछली कितनी देर से मुझे राम कथा की जगह काम कथा सुना रहे हो। ध्यान दीजिएगा, आपने मुझे सुना दी, विष्णु जी को मत सुनाना। जैसी का विष्णु जी को मत सुनाना, तो नारद जी ने सोचा कि मुझसे जल रहे हैं शंकर जी, इन्होंने काम को भस्म किया, मैंने जीता तो तभी मना कर रहे हैं। अच्छा किसी को कोई काम न करने को कहो तो वो वाला काम जरूर करता पक्का। तो उस बस पहुंच गए विष्णु जी के पास और कहा आपको मालूम पड़ा मैंने काम को जीत लिया? विष्णु जी ने कहा गया काम से मेरा भगत। उन्होंने कहा सचमुच आपने जीत लिया, पधारिए। जैसे ही आगे चले विष्णु जी ने माया रची, एक शील निधि राम की राजा की एक माया नगरी रची, उसकी विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या। अच्छा कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा, कन्या इतनी सुंदर। नारद जी पहुंचे किसकी शादी हो रही? बोले बेटी की। आप थोड़ा भाग्य देख दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। जैसे ही उस बच्ची का विश्व मोहिनी का हाथ नारद जी ने हाथ में लिया, सुंदर कोमल हाथ नारद जी ने हाथ में लिया, भाग्य रेखा पढ़ना शुरू करी तो रेखा में लिखी थी कि जो त्रिलोक पति होगा वो इसका पति होगा। लेकिन कन्या का रूप देख के मोहित हो गए, अभी अभी काम को जीत किया है और देखो अभी हालत, सोचने लगे इसी से शादी कर लो, बहुत दिन हो गए बाबागिरी करते करते, घर ही बसा लें, और इसका पति त्रिलोक पति तो मैं त्रिलोक पति हो जाऊंगा। अब देखो उल्टे उल्टे पढ़ने लग गए, लेकिन ये मुझे क्यों पसंद करेगी? तो तुरंत विष्णु जी के पास गए और कहने लगे आज एक काम आ गया। विष्णु जी ने कहा बोलो क्या काम है? बोले आपकी सूरत थोड़ी देर उधार दे दो। अब बोलो आप कोई सूरत भी उधार दी जाती है? सूरत भी उधार दी जाती, लेकिन श्रृंगार करके लोग उधार की सूरत बना लेते हैं। हाँ भगवान विष्णु का तो बहुत बढ़िया ब्यूटी पार्लर था, उनने कहा अभी सजा देता हूं तेरे को। अभी जो लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं वो क्यों जाते हैं? श्रृंगार से उधार की सूरत लेने, वो भी चले गए। नारद जी को लगा मेरा चेहरा सुंदर हो गया, जाके स्वयंवर में बैठ गए, लेकिन भगवान ने बंदर की सूरत दे दी। नारद जी बंदर की आकृति लेके बैठ गए, कन्या आई, कन्या ने देखा बंदर बैठा है, पूरी पंक्ति छोड़ दी। उधर से विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेकर आए, विश्व मोहिनी ने विष्णु जी को माला पहना दी। नारद जी को बहुत खराब लगा, एक तो मुझे तब तक शिव जी के दो गण शिव जी ने पीछे भेजे थे, उन दोनों ने कहा महाराज अपनी सूरत तो देखो पहले। क्या देखो? बोले सूरत तो बंदर की हो रही है, कांच में देखा, कांच तो होता नहीं था, जल के दर्पण में देखा तो दिखा बंदर। गुस्सा आया, विष्णु जी को शाप दे दिया, मैं आपको शाप दे रहा हूं, जैसे मुझे स्त्री का विरहुआ आपको भी होगा, आपने मुझे बंदर की आकृति दी, बंदर ही आपकी मदद करेंगे। और इतना गुस्सा हुए, एक बार तो लक्ष्मी जी बोली कुछ अधिक ही हो गया, ये कितनी गाली दे रहे हैं आपको। अरे विष्णु जी ने कहा देवी इसके मुंह से स्तुति बहुत सुनी, कभी कभी गाली भी अच्छी लगती है, चलने दो इसका कार्यक्रम। और इतनी गाली देने के बाद फिर विष्णु जी ने वो सारी माया हटा दी सब। जब हरी माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। जैसी माया हटाई, न लक्ष्मी जी न विष्णु मोहिनी कन्या, दो ही लोग खड़े थे विष्णु जी
और नारद जी घबराए। अरे नारद जी ने कहा गलती हो गई। तब विष्णु जी ने कहा मेरा प्रण है, मेरे बच्चे मेरे भक्त जब गलत मार्ग पे जाएं तो मैं उनकी रक्षा करूं जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है, आपने गलत मार्ग पकड़ लिया था। तब नारद जी ने कहा मेरा मन बड़ा अशांत है, अब मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप जाओ और भगवान शंकर का नाम जपो। देखिए मैं कितनी बात आपसे ये बार बार कह रहा हूं, हम सबका उद्देश्य होना चाहिए शांति प्राप्त करना। नारद जी बेचैन हो गए तो शांति के लिए भगवान विष्णु ने कहा शंकर जी की कथा सुनो। आज शिवरात्रि के दिन हम भोलेनाथ को जब जल चढ़ाएं तो एक बार जरूर ध्यान रखना, अभी भी आधा दिन बचा है। आज शाम को घर जाएं तो सोने के पहले जितना अधिक हो सके ओम नमः शिवाय का जप करिए। ओम नमः शिवाय का जप करने से मन को शांति मिलती है, ये भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा था। ये पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र हमको जपना ही चाहिए देवियों और सज्जनों, क्योंकि इस मंत्र को जपने से शांति मिलती है। तो मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे को शांति मिलना चाहिए। अच्छा, आपका मन शांत है ये कैसे पता लगेगा? हमारी राम कथा में राम जी हो, हनुमान जी हो, तुलसीदास जी हो, सब एक ही बात कहते हैं कि भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है, भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। और इसीलिए हनुमान जी का तो नारा है, अभी हनुमान जी आएंगे तो कथा में एक ही बात सिखाते हैं, और तुलसीदास जी तो बार बार कहते हैं, खूब बार समझाते हैं तुलसीदास जी हमको, और बार बार एक ही बात समझाई जाती है, सुबह हो कि शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिले, घर में हो कि बाहर हो, जरा मुस्कुराइए। ये राम कथा कह रही है, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। अरे आप ही लोगों से कह रहा हूं जरा मुस्कुराइए, तीन बार बोल दिया है। आप तो ऐसे बैठे जैसे हमारे उठावने की बैठक चल रही हो। इतना सीरियसली कोई कथा सुनता है? भगवान के भक्त को तो मुस्कुराना चाहिए। अच्छा देखो, मैंने आपसे कहा जरा मुस्कुराइए, आप भी मुस्कुरा दिए कि पंडित जी पीछे पड़ गए तो मुस्कुरा दो। लेकिन एक बात ध्यान देना, दूसरों से मुस्कुराना आसान है। अपन दूसरे लोगों को देख के कितना मुस्कुराते हैं, बाजार में जाओ, शादी ब्याह में जाओ, मॉल में जाओ, और भी कहीं जाओ, कोई मिल गया मुस्कुरा दिया, तो दूसरों को मुस्कुराने में क्या दिक्कत है? दुकानदार ग्राहक आए तो मुस्कुराए। लेकिन ये दिन भर मुस्कुराने वाले लोग मैंने देखा है, जब रात को अपने घर आते हैं तो ऐसा सड़ा मुंह लेके आते हैं जैसे मोहल्ले ने 100 जूते मारे हो इनको, ऐसा। अच्छा कभी इनके घर वाले पूछे क्या बात है आज बड़े सीरियस दिख रहे, तो और घर वालों पे टूट पड़ते हैं, अरे दिन भर तो दिमाग खराब करके आए, तुम परेशान कर रहे हो। लोग अपनों से नहीं मुस्कुराते। आज आपसे एक निवेदन करूंगा, इस राम कथा में एक संकल्प लीजिए, आज के बाद अपने घर में जब भी घुसेंगे तो मुस्कुराते हुए घुसेंगे, एक संकल्प लीजिए, और जब भी घर से निकला करेंगे तो मुस्कुराते हुए निकला करेंगे। ले सकते हैं संकल्प? समझदार लोग नहीं लेते, पंडित जी का क्या है, तो कल चले जाएंगे या अपने गले घंटी बांध जाएंगे। कोई मुस्कुराता है क्या घर में? देखो एक सच्ची घटना सुनाता हूं आपको, बिल्कुल सच्ची घटना, और वो मैं घटना आपको इसलिए सुना रहा हूं कि अपने लोगों को देख के अगर आप नहीं मुस्कुराए, खासतौर पर अपने घर में, अपने बेटों को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को देख के यदि आप नहीं मुस्कुरा सकते तो बाहर मुस्कुराना तो नौटंकी है। इसलिए राम कथा क्या सिखा रही, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, भगवान विष्णु शंकर की उपासना इसीलिए नारद को बता रहे हैं कि तू जो उदास हुआ है इस ये उदासी एक ही ढंग से मिटेगी, शंकर की उपासना कर। और शंकर सदैव मुस्कुराते हैं, कल्याण के देवता हैं, उनका नाम ही भोलेनाथ है। देखो जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके भीतर का भोलापन जागता है। अकलमंद आदमी मुस्कुरा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अकल उसको बोलती काहे के लिए मुस्कुरा रहे, ऐसा रोकती अकल।
बूढ़े आदमी कम मुस्कुराते हैं। अच्छा पैसे वाले तो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुराते, अमीर आदमी नहीं मुस्कुरा। एक बार हमने एक अमीर आदमी से पूछा, हम सबसे कहते हैं मुस्कुराइए मुस्कुराइए, सब मुस्कुराते हैं, आप नहीं मुस्कुराते? तो वो धनवान व्यक्ति बोला, पंडित जी ज्यादा मुस्कुराओ तो लोग चंदा मांग लेते हैं। अब ये भी एक समस्या, बड़ी समस्या है। हम कई बार पति से कहते हैं भाई घरवाली को देख के मुस्कुरा लो, अरे बोले आप भी कहां लगे हो, ऐसा नहीं मुस्कुरा। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप मुस्कुराना सीख गए आपके घर में बैकुंठ उतर आएगा। सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, आइएगा हमारे साथ। चलिए 89 एक छोटा सा भजन और इसी के साथ नारद जी का निपटारा करते हैं। बस केवल भजन में ईको देना है, बाकी नहीं। क्या हुआ नारद जी के साथ, सीख लीजिए कैसे भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। राम जन्म के कारण बताए जा रहे हैं, तीसरा कारण, इसलिए राम कथा कह रही है सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए। सबको इतना बता दीजिए ये तरीका सिखा दीजिए, सबको इतना बता दीजिए, सब गाइए हमारे साथ, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। देखिए नारद जी उदास हो गए, भगवान विष्णु ने कहा शंकर जी का नाम लो। और यहीं से हम चौथे कारण में चलते हैं, मनु शत्रुपा। उनने तपस्या की, भगवान उनके घर आए, लेकिन पांचवा कारण बड़ा गजब है और वो है रावण का। अब राम कथा के पहले रावण कथा आ गई। रावण बहुत दुष्ट था, रावण की मां का नाम था कैकसी, रावण के पिता का नाम था विश्रवा, पिता ऋषि और मां राक्षसी, दोनों की शादी हो गई। जन्म हुआ दशानन का, उसका बचपन का नाम दशानन है। और दशानन ने एक बार अपनी मां से पूछा कि पिताजी के आश्रम में जब सुबह जाता हूं तो पिताजी मुझे डांट के कहते तेरी आंखों में नींद क्यों है, तेरे शरीर पे शस्त्र के निशान क्यों है, तू ब्राह्मण का बेटा है, तुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। बेटा पानी कोई ना पीना यहां, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो ही पानी पिए, अरना हम राम रस पिला रहे हैं अभी, पानी से गला तर मत करना, और भैया कोई ज्यादा इधर उधर आना जाना भी मत करना। आप हम देखो 6:15 कथा, वैसे हम 6 कथा खत्म करेंगे कल से, आज 6:15 तक करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा व्यवहारिक विलंब हुआ, आज पहले दिन यजमान को भी बहुत व्यवस्था करना पड़ती है, पर कल समय पे कथा शुरू करेंगे, समय पे समाप्त करेंगे। हमारा नियम है जो लिखा होगा कार्ड में उस समय घर भेज देंगे आपको, 6 तक कथा करें, लेकिन हमें ध्यान से सुनो, आप बीच में गतिविधि मत करिए कोई भी, आपस में बात न करें, हमको सुन लें, हम देख लें, हम आपसे भगवान के जन्म के कारण बता रहे हैं। उस बालक दशानन ने मां से पूछा, मां पिता कहते हैं जो कुछ मिलता है वो शास्त्र से मिलता है, क्योंकि पिता ऋषि थे और मां राक्षसी, तो उसने कहा नाना कहता है शस्त्र से मिलता है,
पिता कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ भी हो वो दूसरे को दे दो। नाना राक्षस थे, नाना कहते हैं जो दूसरे का है तुम लूट लो। तो पिता सच पूछ रहा है, बेटा सच क्या है? तो मां ने कहा सुन, तेरा उद्देश्य हमने विशेष उद्देश्य के लिए किया है तेरा जन्म। तुझे इस संसार में इतनी लूटपाट करना है, तुझे रक्ष संस्कृति की स्थापना करना है, जो मिले लूट ले। बेटा तुझे रक्त की नदियां बहाना है। तेरा नाम सुन के लोग कांप उठे। अब देखो पिता शास्त्र सिखा रहा है, मां शास्त्र सिखा रही। जिन घरों में संतान के लालन पालन में पिता कोई और संस्कृति से सिखाए, माता कोई और बात सिखाए, जिन घरों में संतानों के लालन पालन में माता पिता में भेद होगा, उस घर के बच्चे रावण बन सकते हैं। याद रखना, बच्चों के मामले में भेद मत करना। माता पिता एक नीति से सिखाएं बच्चों को। और रावण ऐसा राक्षस बना, उसने तपस्या की और मृत्यु पर विजय पाली, हम काहू के मर ही न मारे। उसके बाद तो उसने इतना आतंक फैलाया, दुनिया उसके नाम से कांपने लगी। भगवान को आना पड़ा। और रावण का नाम रावण क्यों पड़ा ये तो मालूम है ना आपको? उसका नाम तो दशानन था, उसका नाम रावण थोड़ी था। दशग्रीव दशानन, रावण नाम क्यों पड़ा? एक बार रावण ने क्या किया, कैलाश पर्वत पे नीचे हाथ डाल के कैलाश पर्वत हिला दिया। अच्छा, कैलाश पर्वत पे शिवजी पार्वती बैठे, पार्वती जी ने कहा ये क्या बात हुई, मैं आपके साथ बैठी हूँ और किसी ने हमारा सिंहासन हिला दिया। और सही बात है, पति पत्नी पास में बैठी हो और पति की बेइज्जती हो जाए तो फिर थोड़ा अच्छा लगता। शिवजी को भी गुस्सा आई, मेरी घरवाली के सामने मेरी इतनी बेइज्जती, बस पैर रखा तो कैलाश नीचे और रावण के हाथ उसके नीचे। अब रावण चिल्लाया। संस्कृत में राव शब्द को, चिल्लाने शब्द को राव कहते हैं। और इतना जोर से उसने राव किया कि सारा ब्रह्मांड कांप गया। लोग कहने के इसका रोना सुन के प्राण निकल रहे हैं, इसके हाथ बाहर निकालो भगवान शंकर जी। तो भगवान शंकर हंसे और उन्होंने कहा बेटा तू इतना जोर से रोया कि तेरे कारण पूरी दुनिया रो दी, तो आज से तेरा नाम रोने के कारण रावण पड़ गया। जो रोए वो रावण और जो हंसे वो राम जी का आदमी। तो आप कौन सी पार्टी के हो, रावण के कि राम जी? तो जरा मुस्कुराइए। अरे ऐसे क्या कथा सुन रहे भाई? काम मुश्किल बहुत है मगर, काम मुश्किल बहुत है मगर, जीना है जो दुनिया अगर, जीना है जो दुनिया अगर। सबको दिल में जगह दीजिए, सबको दिल में जगह दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। अच्छा भैया रुकना जरा, हम मुस्कुराने का भजन गा रहे हैं तो मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुरा के गाइए। देखो आप में जो परमानेंट सूमड़े उनका तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ परमानेंट सूमड़े होते हैं उनको कितना ही कह लो मुस्कुराओ नहीं मुस्कुरा, अरे जो मुस्कुरा सकते हैं वो तो मुस्कुराएं। मुस्कुराने का भजन तो ऐसे गा रहे हैं जैसे राम नाम सत्य में जा रहे हो। देखिए रावण के लिए राम जी को आना पड़ा। राजा दशरथ के यहां बुढ़ापे में संतान नहीं होती, दुखी होके कहां गए? संसार के पास नहीं गए, गुरु के पास गए। जीवन में कभी दुख आए इधर उधर जाओगे तो लोग तो कहते हैं अच्छी हुई और हो इसकी, सुनेंगे जरूर आपकी पर मन ही मन कहेंगे अच्छा हुआ बढ़िया हुआ। संसार को आपका दुख देख के और रस आता है, लेकिन एक गुरु ऐसा होता है। दुनिया में तीन लोग ऐसे हैं जो आपके दुख से दुखी होंगे, आपके माता पिता और आपका गुरु। वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ करो चार पुत्र प्राप्त होंगे। यज्ञ किया, वशिष्ठ जी चाहते तो कोई जंतर मंतर कर सकते थे, पर क्या बताया यज्ञ करो। यज्ञ मतलब पुरुषार्थ,
हमारी संतानें हमारा पुरुषार्थ का परिणाम होना चाहिए, हमारे भोग का परिणाम नहीं होना चाहिए। अनुशासन जप तप यज्ञ का नतीजा होना चाहिए अपने बच्चे। बड़े हुए राम जी, गुरुकुल पढ़ने भेजा वशिष्ठ जी के यहां। दो तरह की शिक्षा होती है, एक सैद्धांतिक शिक्षा, एक व्यवहारिक शिक्षा। ये सैद्धांतिक शिक्षा स्कूल कॉलेज में मिलती है और व्यवहारिक शिक्षा जिंदगी को जीने से मिलती है। सैद्धांतिक शिक्षा तो मिल गई, व्यवहारिक शिक्षा तो विश्वामित्र नाम के एक मुनि एक दिन अयोध्या में आए और राजा दशरथ से कहते हैं, राक्षसों ने हमें परेशान कर रखा है, आपके दोनों बेटे हमें दे दें। उदास हो गए, बुढ़ापे में चार बच्चे बड़ी मुश्किल से मिले, आप दो मांग रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, यज्ञ से बच्चे पैदा हुए, यज्ञ की रक्षा के लिए दे दो और उदास हो के मत दो। भगवान का काम है, भगवान ही करने निकले हैं, तो भगवान के काम में आदमी को सीरियस नहीं होना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। तो अपन अभी क्या कर रहे हैं, भगवान का काम, तो आप इतना सीरियस क्यों सुन रहे हैं। देखिए, जो जो जिंदगी भर मुस्कुराएंगे वो खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी तरंगे निकलने लगती है। आपके पास में जो बैठता है उसको बड़ा अच्छा लगता है आप मुस्कुराते हैं, उसको भी लगता है इनके पास थोड़ी देर बैठे अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, कब वो जाए तब अच्छा लगता है, ऐसा भी होता है। इसलिए एक बार जरा मुस्कुराइए। अरे, इतना सीरियस कथा क्यों सुनते हैं। मुस्कुराते रहे जो उम्र भर, मुस्कुराते रहे जो उम्र भर, हो गए वो यहाँ पर अमर, हो गए वो यहाँ पर अमर। बेबसी अब हटा दीजिए, बेबसी अब हटा दीजिए। क्या करना है, अरे गाइए ना सब लोग। बेबसी अब हटा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। बेबसी अब हटा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। बताइए, हमारे डीसी साहू साहब का ये पूरा परिवार है, प्रेमवती देवी जी, और तो मैं देख रहा हूं कि बड़े भैया तो दिख रहे हैं मुझको, तुलेश जी भी यहां, योगेश जी कहां है, कहां भाई योगेश जी कहां है, अरे उनको बुलाओ, यहां बैठा हूं, जरा खबर करो आप उनको। मेरा नियम है, आप एक बार फिर ध्यान से सुन लें, मेरा नियम है कि यजमान परिवार से मेरा निवेदन होता है, हमारी कथा में सबको बैठना पड़ेगा। ये व्यवस्थाएं हमारे आने के पहले करिए, हमारे जाने के बाद करिए, नहीं तो कई यजमान कथाओं को इतना बढ़िया इंतजाम करते हैं, कथा नहीं सुनते, आदत में ही नहीं, बैठ ही नहीं सकते तीन। तो सबसे पहले तो योगेश जी को बुलाइए और तुलेश जी को भी बुलाइए कि कहीं जाइए मत, कथा में बैठिए, कहां चले गए, जहां कहीं भी हो तुलेश जी और योगेश जी यहां आ जाएं पंडाल में, नहीं तो मैं यही लाइन गाता रहूंगा। हाँ, 8 बजे छोड़ूंगा, 8 बजे समझ लो, आ जाइए। और योगेश जी कहां है, उनको भी बुलाइए, हाँ जाके बुला के लाइए, ये कथा हो रही है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, यहीं बैठो और पूरे 3 घंटे 7 दिन तक सुनना पड़ेगा सबको कथा, खास तौर पे हमारे तीनों भाइयों को। आइए आइए, तुलेश जी आइए, आप तो आ जाओ, अपने को सब काम बाद में होता रहेगा, अब उठ के कोई नहीं जाएगा, अब उठ के तो वो ही जाएगा जो रावण का आदमी होगा। बस अपन राम के लोग, कथा सुन, बैठो भैया बैठो, आप कहाँ जा रहे, बैठो। और उनको योगेश जी को भी फोन करो कि पंडित जी बुला रहे हैं, यही लाइन गाता रहूंगा मैं, बोलो उनको। विश्वामित्र जी लेके गए,
और एक बात कहता हूं, राजा दशरथ बेचैन हो गए, मेरे बच्चों को कैसे दूं, मेरे बच्चों को कैसे दूं। ठीक बात है, संतान के जीवन में परेशानी आए तो माता पिता उदास हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। लेकिन मैंने क्या, भगवान का भरोसा मत छोड़ना, भगवान बड़ा दयालु है, हम भक्त हैं, हमारे साथ भगवान कभी गलत नहीं करेगा, इसलिए भरोसा बनाए रखिएगा। इस दुनिया में है भगवान, सब निपटारा करता है भगवान। अच्छा, कभी आपके मन में उदासी आए, तन बेचैन हो, आजकल बहुत जल्दी आ जाता है, कई लोगों को तो इतनी जल्दी उदासी आ जाती है, अभी 2-3 साल में तो जिनको घर से नहीं निकलना मिला वो तो पगला सरी के गए। आपको उदासी सताए तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अकेलापन सताए तो एक तरीका बताता हूं। कई लोगों को लगता हम तो घर में अकेले हैं, हमारा तो कोई नहीं है, फिर क्या करेंगे। तो देखो, एक बहुत अच्छा तरीका है, जब आपके कमरे में आईना होगा ना, दर्पण, कांच जिसमें मुंह देखते हैं, तैयार होते हैं, बस उसके सामने खड़े हो जाना और अपनी आंख में आंख डालना और जराए पे अपनी एक उंगली गाल पे रखना और आईने में खुद से ही बोलना, क्या बात है, बहुत उदास दिख रहे हो, चलो हंसो। दूसरे को देख के हंसने में दिक्कत हो तो आईने में खुद को देख के हंसना, प्रयोग करना, अचानक एक प्रसन्नता जाग जाएगी, सब उदासी भाग जाएगी। नहीं तो उदासी ऐसी घेरेगी, खुद भी दुखी हो जाओगे, दूसरों को भी, घर वालों को परेशान करोगे। अगर उदासी लंबे समय टिक जाए तो तनाव में बदल जाती है, तनाव लंबे समय टिक जाए तो एक नई बीमारी आ जाती है। बातचीत में उदासी, हिंदी में अवसाद और अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन, आजकल तो बहुत फैशनेबल है, चाहे जिसको डिप्रेशन हो जाता आजकल। अच्छा, 4-5 भाई साहब लोग इकट्ठे हो जाएं तो डिप्रेशन की बात ऐसी करते हैं, 2-3 दिन पहले ही मुझे डिप्रेशन हो गया था, दिमाग खराब हो गया था। अच्छा, माताएं बहनें तो गजब ही करती हैं, वो तो ऐसा बताती कि 2-3 दिन पहले ही मुझे डिप्रेशन हुआ, कल ही निकल के आई हूं। अच्छा, खुद ही चली जाती है, खुद ही निकल आती। भगवान न करे किसी को डिप्रेशन हो, लेकिन किसी को डिप्रेशन हो तो उससे पूछना, तुमको क्या प्रॉब्लम है, मालूम नहीं, ऐसा मरे मरे बोलेंगे, नहीं कोई दिक्कत, अब एक हो तो बताएं, क्या दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मर जाओ, मरेंगे भी नहीं, सामने वालों के प्राण ले लेंगे, घर वालों को मरेंगे, क्या उदास होना जी, भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, क्या उदास होते हो, देव अपने पुत्रों को, और आप भी उदास हो तो आज आईने के सामने खड़े हो जाना, मेरी पक्की बात मानना, आज से आईने को देख के रोज मुस्कुराना 7 दिन तक, आपको कैसी परेशानी होगी दूर हो जाएगी। जब हो आइए योगेश जी, योगेश जी आइए, इधर आइए, आगे आ जाइए भैया, इनको पास में बैठाइए, आ जाइए इधर आ जाइए, इतनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, ये आयोजन ऐसे नहीं होता, इस परिवार के सदस्यों ने, इनके मिलने जुलने वाले, एक बार जोरदार ताली इस परिवार के लिए बजाइएगा। योगेश जी बैठिए बैठिए बैठिए, संत युधिष्ठिर लाल जी महाराज आ रहे हैं, हमारा सौभाग्य है इस कथा में संत युधिष्ठिर लाल जी पधार रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, संकीर्तन जैसी धुन चलने देना। महाराज जी शदाणी दरबार के नवम पीठाधीश्वर हमारे सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए आ गए। सिया रामा भजो बावरी, सिया रामा कहो बावरी, सिया रामा कहो बावरी, सिया रामा भजो बावरी, सिया रामा भजो बावरी। बैठिए, आसन लगाइए महाराज जी के लिए।
चलिए चलने दीजिए। आज हमारे बीच हमारे सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए शदाणी दरबार पीठ के नवम पीठाधीश्वर परम पूज्य संत युधिष्ठिर लाल जी कृपा करने के लिए आए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उज्जैन रहता हूं, वहां हमारा एक छोटा सा आश्रम है शांतम के नाम से, हनुमान जी का आश्रम है, हमारा जीवन हनुमान जी है, हम हनुमान चालीसा ओढ़ते हैं, हनुमान चालीसा बिछाते हैं, हनुमान चालीसा खाते हैं, हनुमान चालीसा पीते हैं। तो संत युधिष्ठिर लाल जी महाराज की बड़ी दया है हमारे ऊपर, मैं अपराधी हूं कि मैं यहां आ गया और उनसे मैंने फोन पे भी बात नहीं करी, पर संतों की ये बड़ी महानता होती है कि वो कृपा करने आ गए। आपका मैं इस व्यास पीठ से नमन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। कथा थोड़े ही समय बची है, महाराज जी सुनेंगे और उसके बाद आरती में कृपा करेंगे हमारे ऊपर। चलिए, मैं बात कर रहा हूं आपसे, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को जब लेने आए तो दशरथ जी उदास हो गए और दशरथ जी ने कहा, कहां राक्षसों से युद्ध कराने के लिए मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने समझाया, संतों की सेवा करने के लिए संतानों को दे देना चाहिए। उदास तो हुए, पर जीवन में गुरु आया तो गुरु ने समझाया। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, जीवन में उदासी आए, कोई गुरु मंत्र हो, नहीं तो हनुमान जी को गुरु बनाइए, पर उदास नहीं होना है। और मैंने आज आपको बताया ना, अगर आज एक प्रयोग करके देखना, जैसे उदासी घेरे, आज रात को अपने तैयार होने के कमरे में आईने के सामने खड़े होकर अपनी चेहरा देखना और जरा गाल पे थपथपी लगा के कहना, क्या बात है, क्यों उदास दिख रहे हो, चलो मुस्कुराओ। आईने के सामने मुस्कुराना सीख लोगे तो दूसरों के सामने मुस्कुराने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। एक बार जरा मुस्कुराइए और देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। जब हो बेचैन तन और मन, जब हो बेचैन तन और मन, और सताए अकेलापन, और सताए अकेलापन, आईने से हंसा कीजिए, आईने से हंसा कीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए, सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब बदल जाएगा, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। चलिए, जैसे राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ महल से निकले, राम जी ने एक पहाड़ देखा तो विश्वामित्र जी से पूछा कि ये कैसा पहाड़ है। उसी समय लक्ष्मण जी ने एक नदी देखी तो कहा ये कैसी नदी है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम और लक्ष्मण तुम राज महल में रहते हो, तुम नहीं जानते ये पहाड़ ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है। इतना रक्तपात किया रावण ने, खून की नदियां बहाई, ये नदी पानी की नहीं हमारे खून की बही है, कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। इतना आतंक रावण ने फैलाया है, कोई हमें देखने वाला नहीं है। राम, मैं तुम्हें इसलिए लाया हूं कि तुम देख तो सको, ऋषि मुनि हवन यज्ञ नहीं कर सकते, रावण जिस स्त्री को चाहता है उसको उठा लेता है, मनुष्य के बच्चों को वो बीच में से चीर देता है, कोई बोलने वाला नहीं है। राम जी ने सोचा सचमुच ये ठीक नहीं हो रहा, विचार किया उन्होंने,
उसके बाद ताड़का का वध किया। ध्यान देने वाली बात है, राम अवतार का श्री गणेश एक स्त्री के वध से हुआ, क्षत्रिय ने स्त्री को मार डाला। राम ने सबसे पहले अपने अवतार में जिसका वध किया था वो ताड़का थी, एक स्त्री। और भगवान कृष्ण ने भी अपने अवतार में सबसे पहले जिसका वध किया वो भी एक स्त्री, पूतना। तो भगवान से किसी ने पूछा, भगवान ने कहा मैं स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानता, मैं तो सही और गलत का भेद मानता हूं। अगर गलत पुरुष है गलत स्त्री है तो मैं भेद नहीं मानता। ताड़का का वध करने के बाद आगे चले, सब कथा आप जानते हैं। हम सूत्र पकड़ रहे हैं जीवन का, हम जानना चाहते हैं कि कैसी व्यवहारिक शिक्षा राम ने हमारे बच्चों को। हम दो तरह की शिक्षा दें, सैद्धांतिक शिक्षा राम को वशिष्ठ जी ने दी और व्यवहारिक जिसको प्रैक्टिकल एजुकेशन कहते हैं वो विश्वामित्र जी ने दी। हम अपने बच्चों को यूं हथेली में पालते हैं आजकल, अरे बाहर की दुनिया में इतना संघर्ष है, इन बच्चों को मजबूत करिए, जरा से में टूट जाएंगे, अब बहुत अधिक कठिन समय आने वाला है, पता नहीं किसके सामने कौन सी चुनौती आ जाए, ऐसे में हिम्मत रखना चाहिए। तो व्यवहारिक शिक्षा हम अपने बच्चों को दें, सिखाएं जीवन में दुख आए तो टूटना नहीं, रोना नहीं। अभी देखो आप, दो साल में कुदरत ने इतनी शिक्षा दे दी हमको कि अकल आ गई और अब अहिल्या का उद्धार करते हैं। और अब विश्वामित्र जी ने राम जी से एक बात बोली थी कि राम इन राक्षसों ने मेरा घर उजाड़ दिया, हम ऋषि मुनियों के आश्रम उजाड़ दिए, तो तुम चलो, अगर तुम मेरा घर वापस बचा दोगे तो मैं तुम्हारा घर बसा दूंगा। अब बोलो आप, ये कोई बात होती? लेकिन हाँ, उन्होंने राम जी का घर बसा दिया। अब राम जी को जनकपुर ले जाते हैं। राजा जनक ने स्वयंवर रचा अपनी कन्या सीता के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढने का, तो राम जी लक्ष्मण जी को लेके विश्वामित्र जी स्वयंवर में पहुंच गए। अच्छा, उस स्वयंवर में सारे ही राजा आए थे, सब दुनिया भर के राजा, उसमें रावण भी आया था और रावण से तो सब डरते थे। कभी आप ध्यान देना, वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में यहां एक अंतर है। वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी जो आएंगे वो शादी के बाद आते हैं, लेकिन रामचरितमानस में परशुराम जी शादी के पहले आते हैं, उल्टा है। तुलसीदास जी को लगा परशुराम जी अब आने वाले हैं और सारे राजा उनसे डरते हैं, लेकिन परशुराम जी थोड़ी देर में राम जी से डर के लौट जाएंगे। तो मेरे राम जब पहली बार इस संसार के सामने आए तो सारे राजा देख ले, तो परशुराम को अकेले जंगल में बुलाऊंगा तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जरा सबके सामने थोड़ा हमारे राम जी की भी झांकी जमे, तो उल्टा दृश्य कर दिया, यहां बुला लिया। अच्छा, इसका एक और अर्थ है, वाल्मीकि जी ने शादी के बाद परशुराम जी को बुलाया और परशुराम जी गुस्सा हुए तो सब घबरा गए कि शादी बिगड़ी, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा पहले बुला लो सारे लफड़े, पहले कर लो, शादी बाद में करूंगा मैं। देखो हमको सिखा रहे हैं, अपन लोगों की जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता, पहले अच्छा चलता शादी के बाद लफड़ा हो जाता, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं शादी के बाद झंझट नहीं होना चाहिए, सब पहले ही निपटा लो। तो देखो आप, जनक जी ने उस धनुष को देखा और कहा जो कोई इस धनुष को तोड़ देगा मेरी पुत्री जानकी उसको वर के रूप में स्वीकार करेगी। सब ने उठाया, किसी से नहीं उठा, और तो और रावण भी उठा, रावण से नहीं उठा। अच्छा, सब लोग कहते हैं रावण ने तो कैलाश उठा लिया था, ये धनुष नहीं उठा कैसे? मैं कहता हूं ना, देखो भगवान कैसी लीला रचता है। जैसे ही रावण उठा तो सीता जी समझ गई कि ये दुष्ट इसको उठा लेगा पक्का। तो सीता जी तो धरती की बेटी है, धरती से होगी, सीता नाम ही सीत के कारण होगी, वो हल की नोक से। तो सीता जी ने अपनी मां धरती मां से कहा, मां ये दुष्ट उठ रहा है, आप तो इस धनुष को ऐसा पकड़ लो कि ये इससे हिले ही नहीं, मेरी रक्षा करो। और मां ने बेटी की रक्षा की और धनुष ऐसा पकड़ा कि रावण से हिला ही नहीं। रावण सोचता रहा ये मुझसे आज क्यों नहीं हिल रहा, गिर गया और मुकुट गिर गए, बैठ गया चुपचाप।
सीता जी ने कहा चलो ठीक है, धनुष तो यही तोड़ेंगे। लेकिन अब तो जनक जी ने कह दिया कि इस धरती पे कोई वीर नहीं है, वीर विहीन हो गई धरती, मेरी बेटी को कोई पति नहीं मिल सकता। लक्ष्मण जी को भी आवेश आ गया, वीर विहीन कैसे हो सकती हम क्षत्रिय के होते हुए। लक्ष्मण जी खड़े हुए, सीता जी ने कहा ये क्यों खड़े हो गए, कहीं ऐसा ना हो यही तोड़ दे। राम जी ने देखा और बैठ जा रहे भैया, वो तो लक्ष्मण जी थे। लेकिन लक्ष्मण जी ने फिर कहा अभी तो है क्षत्रिय। राम जी ने बैठाया, विश्वामित्र की ओर देखते हैं राम जी, गुरु की आज्ञा के बिना कैसे दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करें। जब हम विवाह करते हैं तो जीवन में गुरु के आशीर्वाद की बड़ी जरूरत है। मैंने कहा ना तीन लोग आपके विवाह में हस्तक्षेप करें, आपके माता पिता, आपका गुरु। गुरु विश्वामित्र कहते हैं उठो राम, इस धनुष को भंजन कर दो। आज्ञा मिल गई, खड़े हुए। अच्छा यहां एक देखने वाली बात है, राम जी ने धनुष कैसे तोड़ा, ऐसे उठा कैसे नहीं तोड़ा, धनुष के एक सिरे पे पैर का अंगूठा रखा तो सीधा हुआ, और जैसे ही सीधा हुआ तो हाथ लिया और बीच में से तोड़ा। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, ऐसा लिखा है, बीच में से तोड़ा। किसी ने पूछा आपने धनुष को बीच में से क्यों तोड़ा, तो राम जी ने कहा धनुष अहंकार का प्रतीक है और अहंकार को मध्य से तोड़ देना चाहिए। जिसका अहंकार बचा रहा और उसने विवाह कर लिया तो उसके वैवाहिक जीवन में लड़ाई कलह होना ही है। विवाह जीवन में न पति का अहंकार होना चाहिए, न पत्नी का, न माँ बाप का, न बच्चों का। घर निरहंकारिता का केंद्र होना चाहिए। हमारे घर आज क्यों टूट रहे हैं, अहंकार के कारण। तो राम जी ने सिखाया मैं शादी करने जा रहा हूं तो पहले अहंकार तोड़ो। जैसी धनुष टूटा सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई, सोचती हैं वरमाला पहनाऊं, और सब कथा आप जानते। पर उसी समय परशुराम जी आ गए। ये परशुराम जी कौन थे, शिव जी के भक्त। वो धनुष उनने दिया था जनक जी को, और परशुराम जी वही थे जिन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। सारे क्षत्रिय राजा डर गए कि अरे बाप रे ये फिर आया आज मारेगा। तो कई तो परशुराम जी ने देखा तो बिना बोले ही बताने लगे मेरे पिताजी का ये नाम, उनका ये बेटा, मैंने नहीं किया। अच्छा जब धनुष टूट नहीं रहा तो सब कह रहे थे कि हम तोड़ दें हम तोड़ दें, और परशुराम जी को देखते हुए सब उल्टा बोलने लग गए हमने नहीं तोड़ा। कुछ तो कह लगे महाराज मैं तो इसके लिए आया ही नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया था। सब डर रहे हैं अब मरे। परशुराम जी ने देखना शुरू किया, कोई बोलता नहीं उनसे, और उनकी दृष्टि पड़ी उन्होंने कहा ये किसने किया। और गरजे, इतना गरजे वो कि लक्ष्मण जी आ गए आ गए और उनकी भिड़ंत हो गई। राम जी ने समझाया, लेकिन राम जी के सामने परशुराम जी को लगा कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है मेरे शस्त्र अपने आप इनके पास क्यों जा रहे हैं। अवतार हो गया, अवतार हो गया। परशुराम जी आंख बंद करके विचार करते हैं ये मैंने क्या किया, और प्रणाम करके कहते हैं क्योंकि राम जी ने तो कह दिया सब प्रकार मुनि तुम संहारे, हम तो आपके सब प्रकार आपसे हार गए। अनुचित बहुत कहू अज्ञाता, क्षमाऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमा मांगते हैं परशुराम जी राम जी से, और कहते हैं मेरा बचा हुआ काम आप कर दोगे। आशीर्वाद देके चले जाते हैं और राम जी का विवाह होता है। सात फेरे लगते हैं, बारात आई, अग्नि कुंड बना, अग्नि के फेरे लगे, ये सब होता है। अच्छा राम जी के विवाह के प्रसंग से हम भी थोड़ा सा सीख लें, ये सात फेरे कौन से, सप्तपदी कहते हैं, सात वचन। आप में से जिनका विवाह हुआ होगा उनको याद होगा ना सात वचन लिए दिए जाते हैं, याद है। अरे बोलिए ना, अरे लिए दिए थे क्या, ऐसे ही बैठ गए। पंडित ने जो संस्कृत में श्लोक बोले होंगे तो पंडित जी क्या बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने गजब किया है। हमारे ऋषि मुनि जब सात वचन के सप्तपदी के संस्कृत में श्लोक बोलते हैं तो उन श्लोक का अर्थ है देवियों और सज्जनों, भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने बेकार कुछ नहीं कहा। आपको मालूम है कौन से वचन लिए दिए थे सात, याद है, किसी को याद नहीं।
अच्छा ज़्यादा किसी से पूछो कि जरा बताओ ना कौन से थे, तो बोलता अरे पंडित जी क्यों बार बार एक्सीडेंट की याद दिला रहे हो, ऐसा बोलते लो। याद नहीं आता आपको, मैं याद दिलाता हूँ। आज राम जी के विवाह में 7 वचन याद कर लो, काम आएंगे। पहला वचन अन्न का, पति कहता है आज से इस घर में जो अन्न आएगा मेरे पुरुषार्थ मेरे परिश्रम से वो तेरे हाथ में होगा। पत्नी कहती उस अन्न से मैं पूरे परिवार का सात्विक भोजन से पेट भरूंगी। अन्न का वचन दोनों एक दूसरे को देते हैं। दूसरा वचन है बल का, पति कहता है आज से मेरा सारा बल तेरे लिए अर्पित। तीसरा वचन होता है धन का, पति पत्नी वचन देते हैं कि आज से जो भी धन घर में आएगा एक दूसरे की सहमति से आएगा, गलत रास्ते से नहीं आएगा और एक दूसरे की सहमति से खर्च होगा, ये तीसरा वचन। चौथा वचन देवियों और सज्जनों सुख और दुख का होता है कि आज के बाद हमारे सारे सुख बटेंगे हमारे सारे दुख बटेंगे। पांचवा वचन परिवार का, संस्कृत में श्लोक आता है कि पति कहता है आज से मेरा परिवार तेरा, तेरा परिवार मेरा। वो कन्या कहती है आज से आपका परिवार मेरा, मेरा परिवार आपका। ऐसा दोनों परिवार एक होना चाहिए, ऐसा नहीं मायका ससुराल ये भेद है, ये तो हमने बनाए हैं, नहीं तो पहले ये भेद नहीं थे, पहले तो सीधी सीधी बात होती थी दोनों परिवार, ऋषि मुनियों ने कहा है। और छठवां वचन एकांत चर्या का, पति पत्नी कहते हैं हमारी एकांत चर्या दिव्य होगी। और सातवां वचन मित्रता का, पति पत्नी एक दूसरे से मित्र जैसा व्यवहार करें, ये 7 वचन है। याद आ गए, आज घर जाके याद करना, एक दूसरे को याद दिलाना, कईयों का उसी में पंगा चालू हो जाएगा, है कहाँ की बात। लेकिन जरा मुस्कुराते हुए याद दिलाना, ये 7 वचन का एक ही मतलब है, जरा मुस्कुराइए। हाँ तो मुस्कुराइए, यहीं नहीं वहां भी मुस्कुराना है। आज तो संकल्प ले लो, जितने जोड़े यहां बैठे हैं आज अपने घर में घुसेंगे और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलें घर में जाएं तो घरवाली घरवाले को देख के और घरवाला घरवाली को देख के आज क्या करोगे। हाँ जरा जोर से बोलो, डर क्यों रहे आप। अच्छा एक बात बताऊं मैं, आज हो सकता है कोई घरवाली घरवाले को देख के मुस्कुराए तो वो बेहोश ही हो जाए, ये भी हो सकता है, कल कथा में ही नहीं आए क्योंकि कई घरवालियों ने अपने घरवाले को मुस्कुराते नहीं देखा, मुस्कुराने की एक्टिंग करते देखा होगा। ये 7 वचन हैं। और देखो ऋषि मुनियों ने कितना तगड़ा काम किया, अग्नि कुंड के फेरे भी लगवाए, 7 फेरे लगाए होंगे ना, बीच में अग्नि कुंड होगा, याद है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अग्नि तटस्थ होती है, अग्नि में जो डाल दो स्वीक भेदभाव नहीं करती। तो अग्नि कुंड की साक्ष में 7 फेरे लगा के राम जी और सीता जी पति पत्नी हो गए। आप में से जिनका विवाह हुआ उन्होंने अग्नि कुंड के फेरे लगाए, याद है? अच्छा ज्यादा किसी भाई साहब से पूछो कि आपको याद है कि आपने अग्नि कुंड के फेरे लगाए, तो बोलते हैं बस इतना ही याद है कि कुंड वहीं रह गए, अग्नि घर आ गई। अभी ऐसा ठीक है? आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे हैं, एक बार ताली बजाइए आपके लिए, फिर आगे चलें। हाँ कितने अच्छे जो। और देखते ही देखते हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार, माँ जानकी का विवाह होता है और बारात लौट के आती है और भगवान का दाम्पत्य जीवन आरंभ होता है। ये बाल कांड की कथा आज समाप्त होती है। आज कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां थी तो कथा विलंब से आरंभ हुई, पर देवियों और सज्जनों तुलसीदास जी ने आज विराम दिया है, हम भी विराम देंगे, लेकिन एक अनुरोध करूंगा मैं आपसे अभी, एक एक छोटा सा प्यारा सा, योगेश जी एक छोटा सा निवेदन है मेरा आपसे। अब बैठो आप, अब बैठो, और आप है ना कल से सब व्यवस्था दूसरों को सौंप देना। बाबूजी आप तीनों भाई आपका परिवार बैठे तो मुझे अच्छा लगे, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम यजमान से बोल देते हैं भैया हमारी कथा सुनने बैठना पड़े, आपको जो इंतजाम करना हो हमारे आने के पहले हमारे आने के बाद। अच्छा कई यजमान बैठे ही नहीं आज तक, ये तो एक आध घंटे किसी को बैठ गया हो तो यूं ही 25 बार हिलेगा, 3 घंटे बैठना है कल से, और मेरी जिम्मेदारी में एक एक मिनट आपको लौटा दूंगा, 3 घंटे आप मेरे साथ बैठना। आप बहुत प्यारे आदमी, जरा मुस्कुराइए, एक बार ताली बजाइए इस परिवार के लिए जोरदार। जो पुरुषार्थी होते हैं ना, जो बहुत काम करते हैं, वो व्यवस्था में जानता हूं इनके कंधे पे बहुत, इनके दिमाग में जोर होगा, अरे सब
भगवान फिर अपन ही कर लेंगे तो ये क्या करेगा जिसकी कथा बांच रहे हैं, कुछ इनको भी करने दो भगवान को, आप तो बैठो और कल टाइम से बैठिएगा, सब लोग आके हैं आराम से, कल हम भी समय पे आ जाएंगे, अपन पूरी 3 घंटे की कथा सुनेंगे। पर मेरा नियम है कि आप शुरू कभी भी करो, ख़त्म मैं वही टाइम पे करता हूँ जो लिखा है, इसलिए 6 बजे कथा ख़त्म करूँगा। भले आज 4 बजे कथा शुरू हुई, लेकिन आज हम एक छोटा सा भजन, जब भगवान लौटे, मैंने कहा ना भगवान ने बीच में से धनुष तोड़ा, बीच में से धनुष क्यों तोड़ा, अहंकार, हमारा अहंकार हमको प्रसन्न नहीं रहने देता, हमारा अहंकार हमको भक्त नहीं बनने देता। और भक्त का लक्षण होता है, भक्त हर समय खुशहाल रहता है, भक्त का लक्षण है कि वो कभी भी उदास नहीं होता। तो चलिए, भगवान का विवाह भी हो गया, हमारे साथ इस प्यारे से भजन को गाइए, छोटा सा भजन, फिर हमें आशीर्वाद मिलेगा आदरणीय संत जी का, आरती होगी, बहुत छोटा सा भजन है, मेरे साथ गाइएगा, आइए। हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले, सब में रह कर अलग रहना, कोई हमसे सीख ले, हर समय खुश सब गाइए, कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले, सब में रह कर अलग रहना, कोई हमसे सीख ले, सब में रह कर अलग रहना, कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना, देखिए मनुष्य का शरीर मिला है तो झंझटें तो आएंगी, एक झंझट मिटाओ दूसरी आएगी, तीसरी मिटाओ चौथी तैयार, तो क्या मर जाएं? नहीं नहीं, मनुष्य का शरीर मिला है, दिक्कतें हैं, कई लोगों के जीवन में तो समस्याएं इतनी आती हैं, सुबह सुबह दूध वाले और अखबार वाले से पहले तो समस्या आ जाती है, तो क्या भाग? देखिए दुनिया के पास जाओगे दुनिया कहेगी समस्या आए झंझट आए भाग जाओ, लेकिन राम कथा क्या सिखा रही जरा देखिएगा, झंझटों से भाग जाना चाहे इससे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे इससे सीख ले, झंझटों में रह कर बचना कोई हमसे सीख ले, सब गाइए, कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना, देखिए दूसरों की आंखों में हम चढ़ जाएं, इसलिए हम कोशिश करते हैं। आज एक बात कहता हूं, दूसरों की आंख से तय मत करना आप क्या हैं, अपनी आंख में झांक के देखना तब पता लगेगा। हमारा सारा जीवन दूसरों से संचालित है, कोई सुबह से कह देता है आप बहुत अच्छे तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, कोई अगर सुबह से कह दे तुम जैसा बेवकूफ नहीं देखा मूड खराब हो जाता है। अरे हम क्या है ये तय हम करेंगे, हमारी खुशी का रिमोट भी दूसरे के हाथ में दे दिया हमने, कमाल कर दिया। पत्नी को लगता है पति खुश रखे तो हम खुश रहें, पति को लगता है इसके कारण परेशान हुआ, दुनिया में आपके अलावा आपको ना तो कोई खुश रख सकता है और न ही आपको कोई आपके अलावा दुखी रख सकता है, आपकी तैयारी, दूसरे क्या करेंगे, यहां कौन आपके आंसुओं को पोछेगा,
जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है, कोई नहीं पहुंच पाएगा। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे। अपनी आंखों में समाना कोई हमसे सीख ले, अपनी आंखों में समाना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना, तो देवियों और सज्जनों चलिए, भगवान का विवाह हुआ और इस बाल कांड में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आई है। मैंने आपको बताई थी ना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दशरथ के आंगन में विहार करने वाले राम जी मुझ पर दया करें। इस बाल कांड में 100 बार मंगल शब्द आया है, कल अयोध्या कांड में 67 बार आएगा, फिर एक एक दो दो बार, कुल 177 बार मंगल। हम लोग भगवान की मंगल की छाया में है, भक्त का कभी अमंगल नहीं होता। अच्छा, आपके जीवन में मंगल हो रहा है ये कैसे पता लगेगा? जरा मुस्कुराइए। अरे फिर सीरियस हो गए आप? अरे भैया, मंगल का दूसरा नाम ही मुस्कुराना है, इसलिए लिखा है मंगल भवन मंगलहारी। तो आज संकल्प लीजिए, मैंने 5 बातें आपको बोली थी, उसमें आखिरी बार है, सुनने के लिए कथा मत सुनिए, जीवन के रूपांतरण के लिए कथा सुनिए। इस बार 7 दिन कुछ बदलाव के दिन होना चाहिए, तो आज संकल्प लीजिए, आज से जब घर से निकला करेंगे तो मुस्कुराते, घर में जाएंगे तो मुस्कुराते। अब तो एक बात समझ लो कि ये रायपुर तक अगर कोई मुस्कुराता दिख जाए तो समझ लो निमोरा की कथा से आ रहा है, ऐसा लगना, ऐसा लगना। दुख में दुखी सुख में गैर से हंसना, सर गैर से हंसना, हंसना हर कोई है जान का, गैर से हंसना, हंसना हर कोई है जान का। अपनों से जरा मुस्कुराना कोई हमसे सीख ले, अपनों से जरा मुस्कुराना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों में रहकर बचना कोई हमसे सीख ले। अपनी आंखों में समाना कोई हमसे सीख ले, अपनों से जरा मुस्कुराना कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना। चलिए, कल अयोध्या कांड की कथा है, भगवान का राज तिलक होते होते रह जाएगा, वनवास जाना पड़ेगा, फिर भरत जी मनाएंगे नहीं आएंगे। देखिए, जिस व्यक्ति को राज तिलक मिलना उसको वनवास मिल जाए, इसका क्या मतलब? जीवन में सब कुछ अपनी पसंद का काम नहीं होता। आज हम में से बहुत सारे लोग सपना देखते हैं, ये हो जाए ये हो जाए, मुकम्मल जहां कभी किसी को नहीं मिलता, कुछ न कुछ रह जाता है। पर राम सिखाएंगे, मिल जाए तो भी खुश और ना मिले तो भी खुश। अप्राप्त की प्राप्ति में तनाव न लें, है तो खूब आनंद मनाएंगे और नहीं है तो दुखी नहीं होंगे। कल का सूत्र ही है। तो चलिए, कल समय पे आइएगा, 3:45 मैं इस मंच पे रहूंगा, आप भी आ जाएं। और कल तो मैं हमारे तुलेश जी और योगेश जी और डीसी जी से कहूंगा, 5 आदमी भी बैठे होंगे तो मैं कथा शुरू कर दूंगा। आज पहला दिन था, व्यवहारिक बात थी, लेकिन कथा समय पे शुरू होगी, समय पे समाप्त। समय का मान करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ काल भी भगवान है। आप काल का, समय का मान करिए, समय आपका मान करेगा।
समय पे आइएगा, समय पे कथा शुरू करेंगे, समय पे समाप्त करेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि पंडाल भरा है कि नहीं भरा है, मुद्दा ये जितने लोग बैठे उनके भीतर कथा भरी है कि नहीं भरी है, मुद्दा ये है। इसलिए कल समय पे आइएगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। महाराज जी बोले दो एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे हम सभी। सप्त दिवसीय श्री राम कथा का प्रथम दिवस का कार्यक्रम विश्राम की ओर, और आज हम सभी ने बड़ा ही आनंद लिया और बड़ा ही आनंद हम सभी को आया। और आनंद क्यों आया? क्योंकि आज कथा हम सभी ने सुनी परम आदरणीय परम पूज्य पंडित विजय शंकर जी मेहता आपके श्रीमुख से। एक बार जोरदार तालियां आप श्री के श्री चरणों में। बड़े हर्ष का विषय आज हम सभी के मध्य पूज्य शदानी दरबार तीर्थ के परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ है। आप श्री के श्री चरणों में निवेदन कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें और बोलो सनातन धर्म की। तो हम सभी जोरदार तालियां बजाएंगे, बोलो सनातन धर्म की, और दोनों मुट्ठियां बांध के जय जय श्री राम। नहीं, मुट्ठियां बांध के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सम्मान्य श्री डीसी प्रसाद साहू और आदरणीय गुलाब साहू जी, श्री तुलेश साहू, श्री योगेश जी साहू, पूरा साहू परिवार, उन्होंने यह सप्त दिवसीय आयोजन, और श्री गुलाब साहू जी, और आज जो विशेष यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हुए श्री राजकुमार जी तारवानी, राजू भाई तारवानी भी यहाँ उपस्थित हुए, उनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। शदाणी नगर के मुखी साहब सम्मान्य श्री भजन दास जी तलरेजा भी यहाँ उपस्थित हुए। मैं निवेदन करता हूँ राजू भाई तारवानी जी से कि आप आए नजदीक के ही पूर्व जनपद सदस्य समाज सेवी सम्मानित श्री राजू भाई जी तारवानी भी यहाँ उपस्थित हुए, उनका भी हृदय से स्वागत, वेलकम, वंदन, अभिनंदन। अभी आरती का समय, उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा पूज्य शदाणी दरबार तीर्थ से पधारे हुए परमादरणीय परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में इस मंच के माध्यम से आप श्रीमुख आपके श्रीमुख से हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां पूज्य महाराष्ट्र के श्री चरणों में। श्री गणेश भगवान की जय, शिव शंकर महादेव की जय,
प्रभु श्री राम कृष्ण भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी से जय श्री राम, जय सदाराम। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस निमोरा के अत्यंत ही धार्मिक और पावन ग्राम में साहू परिवार द्वारा हमारे देश के प्रसिद्ध जिन्हें हम सब लोग हनुमान चालीसा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त के रूप में जानते हैं, एक नई पहचान उन्होंने हनुमान चालीसा के माध्यम से दी है। उज्जैन के प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर भगवान महाकाल की नगरी से यहाँ पधारे पंडित श्री विजय शंकर जी मेहता, जीवन प्रबंधन गुरु। इंसान को, इंसानियत, मानव को मानवता का पाठ सिखाने वाले एक अद्भुत ही गुणी ज्ञानी पूज्य आचार्य स्वरूप पंडित मेहता जी की 7 दिवसीय कथा का यहाँ आयोजन हुआ है, जिसके लिए हम आदरणीय श्री डीसी साहू, उनके सुपात्र श्री तुलेश जी और योगेश जी, गुलाब जी, उनका साधुवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा अवसर इस पूरे क्षेत्र को, धर्म सम्राट हमारे आराध्य देव, हमारे सनातन धर्म की पहचान, हमारे भारत भूमि के आधार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सूर्यवंशी भगवान राम की कथा से 7 दिवसीय यहाँ पर एक आनंद उत्सव, हमारे जीवन की व्यथा दूर करने के लिए कथा के रूप में, अमृत के रूप में प्राप्त होगा। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। जिन परमात्मा शिव का आज महाशिवरात्रि का उत्सव है, उन्होंने खुद कहा है, भगवान श्री विष्णु नारायण ने कहा है, ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि एक राम का नाम ही हजार हजार गुना हमारे नाम के बराबर है। तो उस प्रभु राम की कथा, जिसका वाणी में आता है कि राम कथा जुग जुग अटल, राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई बाखत नेत, स्वर्गवास रघुवर करा सगरी पूरी समेत। राम की कथा जुगों जुगों से अटल है, ऐसा सब वेद कहते हैं, ऐसा सब शास्त्र कहते हैं। उस परमात्मा ने, जिनके नाम से तो हम लोग सब भावसागर से मुक्त हो जाते हैं, पर उन्होंने साक्षात अपनी पूरी अयोध्यापुरी को, पूरी नगरी को ही अपने साथ सशरीर स्वर्ग लोग स्वर्ग लोक ले गए। ऐसे परमात्मा राम, जिनकी कथा युगों युगों से चलती आ रही है, ऐसा अभी जैसा पंडित जी ने कहा कि अहंकार कभी मत कीजिए, सदैव खुशहाल जीवन को जीना चाहिए। प्रसन्नता ही संपन्नता है, मुस्कुराना ही हमारी परंपरा होना चाहिए। तो किसी विद्वान ने कहा है, अहंकार से तीनों खोए, धन वैभव और वंश,
यकीन ना आए तो देख लीजिए रावण कौरव और कंस। अहंकार ने तीनों छीने धन वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लीजिए रावण कौरव और कंस। बस यही हमारी परमात्मा के अवतारों की कथा है कि आस्थावान रहिए, विश्वास रखिए परमात्मा पे। अगर आप लोग अहंकार करेंगे, मोह माया करेंगे, तो आपके पास जो कुछ है वह सब खत्म हो जाएगा, कोई निशानी नहीं बचेगी। इसलिए धर्म और कर्म से जुड़े रहना चाहिए। धर्म हमारे प्राण हैं, कर्म से ही हमें वैभव मिलेगा, परमात्मा की भक्ति मिलेगी। निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से अपने इस भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाते हुए हम लोग जो दिन आते हैं, जो त्यौहार आते हैं, उन सब में, उन तीज त्यौहारों के माध्यम से पूरे परिवार के साथ, समाज के साथ, पड़ोस के साथ, गांव के साथ जुड़कर जब हम सब लोग ऐसा आयोजन करते हैं तो उसका पुण्य प्रताप सभी को मिलता है। सबके मन के मैल धुल जाते हैं और परमात्मा का दिव्य रूप हमारे सामने आता है। वह है प्रेम, वह है भक्ति, वह है अपनापन, और इन सबसे ही हमारी मानवता में बड़ा ही उत्थान मिलता है, उत्सव आता है। यह सब हमें प्राप्त होता है सत्संग से, ऐसे आयोजनों से। तो इस कथा रूपी अमृत से यह पूरा क्षेत्र अत्यंत आनंदमय हो जाए। हमें अपने परिवार की, समाज की महत्ता का ज्ञान हो। हम सब लोग आपस में मिलजुल कर परमात्मा और उनके इस महान भूमि पे जो देवालय हैं, जो ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसे तीर्थ धार्मिक भारत भूमि पर जुड़कर सद्भावना से रहें। इन सब में ही आनंद है। हम बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि पूज्य पंडित मेहता जी ने आप लोगों का आमंत्रण स्वीकार करके इस क्षेत्र में कोरोना काल के लंबे अरसे के बाद यहाँ पर उनका जो आगमन हुआ है वह निश्चित ही हम लोगों को धन्य करेगा और पुनः इस क्षेत्र में धन धान्य की, प्रेम मोहब्बत की, हर तरह से विकास की पुनः धारा बहेगी। इन शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, और साहू परिवार का धन्यवाद। जय श्री राम, जय सदाराम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियां पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। और आपको भी मैं जानकारी देना चाहूंगा पंडित जी, और आप सभी के लिए जानकारी कि जब श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, अयोध्या में जब निर्माण का शुभारंभ हुआ, तो पूरे छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनमानस का किसी ने प्रतिनिधित्व किया तो पूज्य महाराज श्री ने किया। पूरे छत्तीसगढ़ से एक ही निमंत्रण, एक ही व्यक्ति विशेष परम पूज्य महाराज श्री वहां जाके उस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हुए। तो यह भी आज हम सभी का सौभाग्य कि आप श्री के ही माध्यम से वहां जो शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, हम सभी की ओर से एक बार पुनः जोरदार तालियां। और भी यहां जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए श्री अशोक कुकरेजा जी, उनका भी स्वागत करते हैं। श्री दिलीप सचदेव जी, श्री कपिल तलरेजा जी, अब निवेदन है आरती का कार्यक्रम। हम सभी, और हम सभी सौभाग्यशाली कि हम सभी को एक ऐसी कथा का आयोजन, और पिछले 8 वर्षों से यह कथा अनवरत आरंभ, और यह 9वां वर्ष, कोरोना काल को अगर छोड़ दिया जाए तो यह 9वां वर्ष, और 9वें वर्ष में हम सभी बड़े भाग्यशाली, सौभाग्यशाली कि हम सभी को कथा का अवसर, वह भी भारत नहीं अपितु पूरे विश्व के सुप्रसिद्ध कथाकार परमादरणीय परम पूज्य पंडित विजय शंकर जी मेहता के श्रीमुख से सुनने को मिलता है आरती। अच्युतम केशवम रामनारायणम
सेवम हरि सीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे कर्पूर द्वारम करुणावतार संसार सार उद्गेर हार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवान चरितम नमान भवम बिहारी की दया मई जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी की सिंहासन सोहे जुगल सरकार परस्पर हंसी है छपीतम प्यारी की दया मई दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी पलोटत पाय अंजनी लाल तीरथ पद पंकज हो पवन सुत गिरिवर धारी की दया मई जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी भरत जूठाणे बाग विभोर लखन रिपु दमन लाल धन्य शोभा तनुदारी की दया मई जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी की आरती जो कोई जन गावे भोवत प्रेम अवश्य पावे आरती जो कोई जन गावे प्रभोवत प्रेम अवश्य पावे पणत राजेश द्रवय अवधेश बोलिए जय भयहारी की जनन मय दला गारी की आरती अवध बिहारी की दया मय जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी की कर्पूर द्वारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान् सब पर कृपा करो भगवान् सब पर दया करो भगवान् सबका सब विधि हो कल्याण सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को यह अभिलाषा हम सब की सो भगवन पूरी हो सो भगवन पूरी हो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की महाकाल बाबा की मोर उगड़वंशी वाले की जय बजरंगबली महाराज की अपने अपने गुरुवर की
आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर ओम शांति शांति।